السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام علمتنا الحكمة والقرآن والصلوات الله والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين

अल्लाह तहतराफ़िया फ़रमाए हर शर हर फितने हर बुराई और हर आसमायश से बचा कर रखे अल्लाह तै बहुत सारी आसानियाँ लाए आपकी ज़िंदगी में दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अल्लाह के कलाम पर गौर वफिकफक् और तदब्बर करने वाला बनाए आमीन अल्लामीन हमारा आज का लेसन नंबर वन ट्वेंटी फाइव है और सूर्युसुफ़ की आया फ़िफ्टी एट से लेकर एटी सेवन तक है आइए पहले अल्फाज की वज़ाहत कर लेते हैं फिर इन शबसर करेंगे अल्फ़ाज की वजाहत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व जा आ और आए वाह हरफ़ है जा ये फिल माजी वाहिद मज़क्र गायब है जा आ ये जी बस्तर है मजी उन आना अख्वा भाई ये मुजाफ है इसका वाहिद होता है अखुन यूसुफ़ा यूसुफ़्लाम के ये मुजाफ लई है फ तो दाखिल हुए दा खाम इसका रुटवड़ है ये हरफ फा जो है शुरू में वो तफ़ है और दखलु फिलेबाज़ी जब ज़कर गायब है दखलाद खलू से मस्तर है दुखुल जिसके मानी होते हैं दाखिल होना अलई ही उस पर अला हरफ जर है और ही मजरूर और ज़मीर है फराफा हु बस उसने पहचान लिया उन्हें आन रफ़ा रुटवर्ड है फ़ा हरफ अ तफ़ है अरफ़ा ये फेले माजी वाहिद मुज़क् गायब है अरफा ये आरिफू से मजदर है इरफान जिसके मानी है पहचानना और हम ज़मीर है जमा मुज़क् गायब की वाह और हम वो लहू उस लिए मुन कि रोन इनकार करने वाले हैं नून काफ्र रूटवड़ है इनकार से ये इसम फाइल जमा मुजकर वाहिद होता है मुन कि रो वाह और लम्मा जब इसम जरफ है ये ज हजा हम उसने तैयार किया उनको जीम हाज़ा रूटवड है जहाजा ये फेले माजी वाहिद मज़ाकर गायब है जहाजा यू जहाजू से मसर है तजह समान तैयार करना जहेज बी सी से होता है ज़मीर है बी जहाजी हिम साथ उनके समान के जिम हाजा रूटवर्ड है बी हरफ जर है जहाजी मजरूर और मुजाफ है हिम मुजाफलई और जमीर है अला बोले फेले माजी वाहिद मज़क्र गब है मसरा कौला कहना इ तू नी लाना मेरे पास तुम लाओ मेरे पास इ तू ये फिल अमर जमाम जकर हाजिर है आता या ती से मसरा इतियन जिसके मानी है आना बी अखिल्ला भाई को यहाँ बी हरफ जर है बी के बाद है अखिल ये मजरूर है और जो है ना वो हरफ जर है और कुम आखिर में मजरूर है और ये जमीर है चबा मुज़क़्कर हाजिर की मिन हरफ जर है अबी कुम तुबहारे बाप अबी मजरूर है मुजाफ है कुम मुजाफ लई और चबा मुज़क़्कर हाजिर की जमीर है अला तरना क्या तुम देखते नहीं हो रॉ हमजा या लुटपट है तरौना का और शुरू में आ तरौना अगर हो तो फिर ये बनेगा मनफी जवाब यानी क्या तुम नहीं देखते हो रॉ से मस्तर है रो य तुन देखना अन्नी बेशक मैं अन्ना हरफ मुशबा बिलफेल है और या साकिन जमीर है ओ फिल कैला पूरा पूरा देता हूँ पैमाना ओफ़ी ये फैले मुजारे वाहिद मतकलम है अवफ़ा यूफ़ी से मसर है ई फा उन पूरा देना अल्कला ये मसर है मानी है पैमाना यानी पैमाने से गले को नापना नाप को भी कहा जाता है काफिया लाम इसका रूटवड है व और अना मैं, वाहिद में वाद मतक्म की ज़मीर है खैरू बेहतरीन अलमुनजन मेहमान नवाज हूँ नू जम रूटवड है ये मुजाफली है ज़ाल मस्तर से इसम फाइल जमा मुजर है ये इसका वाहिद होता है मुंजल फ़ा इन फिर फ़ा हरफ़ है इन शर्तिया है लम तूनी नी तो तुम मेरे पास ना लाए लम तू ये फैले मुजारनफी जमा मुजकर हाजिर है अता या तीस मजर है इतिन अना नून जर नी जो है वह नून वक़ाया है या साकििन ज़मीर है बिही इसको फला कैला अला कैला पैमानी है तो नहीं कोई पैमाना नहीं कोई गला फ़ हरफ़ है ला नफ़ी के लिए है कैला पैमाने को और गले को भी कहा जाता है लकुम तुम्हारे लिए इंदी मेरे पास इंदी मुजाफ़ है या साकिन मुजाफ़ या मुजाफ़ली है या साकिन जो है ना और ज़मीर भी है वाह मेरे क़रीब ना आना कफ़ रोबा रूटवर्ड है ला तकरबू ये फैले नहीं जब बुज़क हाजिर है करीबा यकरबू से बसर है क़ुरबन करीबा ना नून जन उन्हें वक़ाया है या साकिन ज़मीर है कालू उन्होंने कहा सनूराविदु अनकरीब हम काहिल करेंगे यहाँ जो स है वो उसके मानी अनकरीब ये फेले मुजारे को मुस्तकबिल के मानी देता है और जो है ये फेले मुजारे जमा मुतकलम है यूराविदू से मसर है मुरावदतुन नरमी से किसी से तलब करना आमादा करना और इसका रूट वर्ड है रा अनहु उसके बारे में अबाहु उसके बाप को अबा मुजाफे हुफली और जमीर है व और इन्ना बेशक हम लफाइलून अलबत् हम करने वाले हैं ला लाम ताकीद है मानी है अलबत् ज़रूर अरफ़ाइलूना फ़ीलून मस्तर से इसम फ़ाइल जमा मुज़क्र है इसका वाहिद है फ़ाइलून व और कला कहा लिफ़िद यानी ही अपने गुलामों को अपने जवानों को अपने ख़ादिमों को ये बूढ़ों के लिए भी आता है नौजवानों के लिए भी आता है लड़कों के लिए भी आता है और इसका रूट वर्ड है फा वाह शुरू में ली जो है ना वो हरफ जर है और यानी ये मजरूर है और ये मज़ाफ है और इसका वाद है फ़ता ही जो है वो मुजाफली है और ज़मीर है इज आलू रख दो ये फिल अमर जबाब ज़कर हाजिर है बीदाता हम उनकी पूंजी को उनके समान को इसका रूटवर्ड है ब दौद आइन बिद मुजाफ़ है बिद उन से माखूज है और हम मजाफली और ज़मीर है फिर रिहाली हिम उनकी थैलियों में उनकी खुरजियों में उनके खुजा खज़ावो कह लें कुछ भी कह लें आप खजावो में राम रूटवर्ड है इसका वाहिद है राहल हिम जो है वो मुजाफली और ज़मीर है लाल शायद के वो ला, ला ये हरफे मुश्बा फेल और हम जमीर है यारिफू ना हा उसको पहचान जाएफ़ा रूटवर्ड है याफू ना फेले मुजार जमा मुजकर से मजर अरफ़ान पहचानना और हा वाहिद मुनस्ब की ज़मीर है इदा जब ये इसम फ है इन कलब वो पलटे वो लौटे कौफ लामबा रूटवर्ड है ये फैले माजी जबाम ज़कर ग़ायब है इन क़लब यों कलीबु से मसर इन कलाब इन कलाबुन के मानी है लौटना वापस जाना पलटना इला अहली हिम अपने घर वालों की तरफ इला हरफ जर है अहली मजरूर है मज़ाफ़ है और हिम ज़मीर है लम शायद के वो यर जी लौट आए ये फेल मज़ार जमाम ज़क्र गायब है रजा आ से बसर है रुजोन लौटाना फलम्मा तो जब यहाँ फा जो है वो हरफ है और लम्मा पहले भी आ चुका है ये जमान है और रजाउ जिसके मानी है वो लौटे जिसका वर्ड है जी माइन ये माजी जवाब जक़र गायब है रजा आ यर जिये बसर है रुजोन वापिस लौटना अपने बाप की तरफ कालू उन्होंने कहा या अबाना ना ए हमारे अबा जान या हरफ निदा है अबा ना ये मुनादा है अबा मुजाफे ना लई है और ज़मीर है मुनिया रोका गया है मना किया गया है मीम नून आइन रुटवड है फेले माजी मजहूल वाहिद मुजक्र गायब है मना आ यमना ऊ मस्तर है मन उन मना करना रोकना मन्ना हमसे अल्केलू गले को गले को पैमाने से नापना मतलब नाप को गले को काफिया लाम रूटवर्ड है और ये मस्तर है फ अरसिल तो भेज दीजिए रासीन लाम रूटवर्ड है फा है अरसिल ये फिलहे अमर वाहिद मुजक्र हाजिर है अरसला से मजतर है इर्साल भेजना अरसाल करना उर्दू में भी कहते हैं मा हमारे साथ माह मुजाफ है और ना जो है ना वो मुजाफ लई है और ज़मीर है जमा मुतकलम की अः हमारे भाई को अखा मुजाफ है और ना मुजाफली और ज़मीर है नकतल हम गला लाए पहले भी आ चुका है इसका रूट वर्ड है काफिया लाम और ये फेले मुजार जमा मुतकल्लम है इकतालु से मजर है जिसके मानी है नाप लेना व इन्ना और बेशक हम लहू उसी के लिए लहाफिजून अलबत हिफाजत करने वाले हैं हाफ और रुटवड़ है, है। लाल में तकीदिजूना हिफुल मज़दर से इसम फाइल जमा मुजकर है इसका वाहिद है हाफिजुन काला कहा हल क्या नहीं यानी जुमले में इल्ला आने की वजह से इसका तर्जमा क्या होगा नहीं इसका तर्जमा नहीं का बन जाएगा आमनु कुम मैं भरोसा कर लूँ तुम पर आमनु मुज़ारे वाहिद मुजार्म है अमीना या मनु से मसर है अमान अम अमन में आना अमन के मानी अमन में आना और अमीन समझना कुम जमीर है ही उसके मामले में या उस पर भी बिसके मानी है अला ही से मिलकर बनाना इल्ला मगर कमा जैसा कि यहाँ पे शुरू में जो का है ना वो हरफे तशबी है और का के बाद माँ है वो मस्तरिया है अमीन तु कुम मैंने भरोसा किया तुम पर अमींतु फिले माजी वाहिद मतकलम है अमीना या मनु से मसर है अमानतन अमन में होना या अमीन समझना कौम जमीर है अला अखी ही उसके भाई के मामले में अखी ये मजरूर और मज़ाफ है और ही मुजाफली है और ज़मीर है मिन कबलो इससे कबल इससे पहले ये कबलू जो है ना मजरूर है फल्लाही तो ही बस अल्लाहन बेहतरीन हाफिजन हिफाजत करने वाला हैफन से इसम फाइल वाहिद मुज़क़्कर है वाह हुआ और वो अरहमु ज़्यादा रहम करने वाला है रहमत उन मसर से ये अफल तफ्दील का सिगा है अर्राहिमीन रहम करने वालों से रहमतुन से ये इसम फाइल जमा मुज़क़्कर है और लम्मा जब यह सनजर्फ है फ़तह उन्होंने खोला ये फैले माजी जमा मुज़क्र गायब है फतह फतेह यफता मसर है फतहुन खोलना मत अपने समान को बीम तय रुटवड है मता मुजाफ हम मुजाफली और ज़मीर है वजा उन्होंने पाया ये फैल माजी जमा गायब है वजा दू से मसर है विजदान पाना बिदाता हम अपना सरमाया अपनी पूंजी ब दौद आन रुटवड है बी दौता मुजाफ है हम जमीर है रुद्दत लौटा दिया गया था रो दाल दाल रुटवड है फेले माजी मजहूल वाहिद गायब है रद्द या रुद्दू से मसर है रद्द वापिस लौटाना इलेम उनकी तरफ कालू उन्होंने कहा या अबाना है हमारे अब्बाजान या हरफनिदा है और अबा मुनादा है और मुजाफ है बाप को कहा जाता है ना मुजाफ़लई और मतक्म की ज़मीर है माँ मानी है क्या इस्तफ़ामिया है सवाल पूछने के लिए आया है न बगी हम चाहते हैं या रूटवर्ड है ये फेले मुजारे जमा मुतकलम है बगा या बगी से मसर है बगयून यून हाजी ही मानी है ये हाजी ही इसम इशारा वाहिद मनकरीब है बीदात हमारी पूंजी है बाद रूटवर्ड है बीदा तुम मुजाफ है ना मुजाफ ज़मीर है रुद्दत लौटाई गई है इलेना हमारी तरफ वा और नमीरु हम गला लाएंगे मीम रॉ मीम या रॉ ये इसका रूटवर्ड है और ये फेले मज़ार जमा मुतकलम है मार मॉ यमीरु से मसर है मला लाना गला फरहम करना अहला ना अपने घर वालों के लिए अहला मुजाफ है और ना मुजाफिलई है और जमीर है वा और नजू हम हिफाजत करेंगे रूटवर्ड है मुज़ारे जमा मुतकलम है हाफिजा या फजु से मसर हिफन हिफाजत करना अखा ना अपने भाई की अखा मुजाफ है ना मुजाफिलई है जमीर है और नजदू नस्तादू जो है इसके मानी है हम ज्यादा लाएंगे जा या दाल इसका रूटवर्ड है नस्तादू फेल मुजारे जमा मुतकलम है इस दादा से मसर है इस जिसके मानी है ज्यादा लाना कैला बान ऊंट भर गला कैला मुजाफ़ है बायरिन मजाफली है मनी है एक ऊंट बा आन रॉ रूटवड है दाली का मनी है ये इसम इशारा वाहिद मज़क्र बैद है कैलुई यसीर, गल्ला है आसान बहुत ज़्यादा आसान गल्ला, कैल उन मसूफ़ है मज़र है और यसर का रूटवड है या सीन रा मनी है आसान ये यूसर से सिफत मशब्बा है कला कह लन उर्सू लन उर्सिला के मानी है हरगस नाम मैं भेजूंगा इसको लन उर्सिला फिले मन्फी वाहिद है, से मसरा अरसाल भेजना और हु जमीर है माकुम तुम्हारे साथ माआ मुजाफ है कुमाफले है और ज़मीर है यहाँ तक के ये हरफ गायत है तो तुम दो मुझको तो तू मजारे जब मुजारबा जकर हाजिर है और नून जे नी जो है ना वो नूने वक़ाया है और या साकिन हजफ हो गया है और जमीर है मऊसी कन पक्का वादा पुख्ता अहद वाओ रूटवर्ड है ये मस्तर है अल्लाह की तरफ से लता तुन्ना अलबत् तुम जरूर लाओगे मेरे पास ला, ला में ताकीद है त ता तुन्ना ये फेले मज़ारे बानून ताकिद शकीला जमा ज़कर हाजिर है और नूजर नी ये नूने वक़ाया है या साकििन जमीर है भी ही इसको इल्ला मगर या सिवाय ये कलम इस्तना है अन ये के ये मस्तरिया है युहा घेर लिया जाए हा वाह है ये फेले मज़ार मजहूल वाहिद मज़क़र ग़ायब है अहा यूही से मसर इहात तुन घेर लेना बिकुम तुम्हें फल फिर जब उन्होंने दिया उसको ये फेले माजी जबा मुज़कर गायब है मऊसिक हम पुख्ता वादा अपना वाओ सा काफ रूटवड़ है मौसिका जो है ये मज़ाफ है और हम मज़ाफली और ज़मीर है क़ाला उसने कहा अल्लाह अल्लाह आला इस पर माँ जो ये मजरूर है और इसम मसूल है नक़ोलु हम कहते हैं क़ाफ वावल रूटवड है फिल्म मुजार जमा मुतकलम है ये वकील उन कारसाज़ है निगेबान है वाव क़ाफ लाम रूटवड है वक़लू मसर से ये सिफ मुशबा है वा और वाह उसने कहा या बनिया ए मेरे बच्चों ए मेरे बेटो या हरफ निदा है बनी या जो है ये मुनादा है बनी मुजाफ है और असल में ये बनी ना था इजाफ़त की वजह से जमा कानून जो है वो गिर गया है और या या जो है वो मुजाफ अले है और ज़मीर है ला تدخلو ना तुम दाखिल होना ये फेले नहीं जमा मुजक्र हाजिर है दख़ला दखलाद खलू से मसर है दुखुल दाखिल होना मीन बाबिन वाहिदिन एक दरवाजे से मीन हरफ जर है बाबिन मजरूर है मासूफ़ है और वाहिदिन सिफ़्त है वलू और दाखिल हो जाओ बल्कि दाखिल हो जाओ वह हरफियतफ़ है उद खुलू फेले अमर जबाब जकर हाजिर है दाख़ला यद खलूस से बसर है दुल दाखिल होना मिन अबाब मुतफर मुख्तलिफ दरवाजों से हरफ जर है और ये जो मुतफर कतिन है ये तफरकन मस्तर से इसम फाइल वाहिद मोनसिफ है वमा नहीं, उगनी मैं बचा सकता मैं टाल सकता वाइन नून या ये रूटवर्ड है इसका ये फेले मुजारे वाहिद मुतकलम है अगना युगनी से मस्तर है इगना उन काम बचाना टालना कफायत करना अनकुम तुमको मिन अल्लाह ही अल्लाह से मिन शैइन किसी चीज से इनिल हुक्मु नहीं फैसला हा काफ मीम रूटवर्ड है ह मस्तर है इल्ला मगर ये कलमा इस्तसना है लाही ही अल्लाह के लिए अल ही इस पर तवक्कल तु मैंने भरोसा किया मैंने तवक्कल किया ये माजी वाहिद मतक्म है तवक्कल या तवक्कलु से मस्तर है तवक्कुल भरोसा करना तवक्कल करना व और अलई ही उसी पर फल या तवक्कल बस चाहिए के तवक्कल करें फ़ हरफ अतफ़ है लाम साकिन लमे अमर है या तवक्ली फैले वाहिद वाहिदर गायब है तो या तोलु से बस्तर है तो भरोसा करना अलमुतवक् तवक्कल करने वाले तो से ये इसम फाइल जमा मुजकर है वाहिद है इसका अल अलमतवल व और लम जब यह इसम रफ़ है दखलु व दाखिल हुए ये फेलेबाजी जबा बजकर गायब है जहाँ से मज़रूर है जरफे मकान है अमर हुक्म दिया था उनको अमरा जो है ये फेलेबाजी वाहिद वाहिदजर गायब है अमरा या मरू से बस्तर है अमरुन हुक्म देना हम जमीर है अबू हम उनके बाप ने अबू मुजाफ है जमीर और मुजाफले है माँ का ना नाथा के का माता ये फेले मुजारजर गायब है पहले आ चुका है अनहुम उनको मिनल अल्लाह से मिन शैन कुछ भी इल्ला मगर हाज़तन एक हाज़त थी एक ख्वाहिश थी एक, एक गर्ज थी इसका रूट वर्ड है हीम हजात जो है ना ये इसकी ज़मा है फी नफसे फी नफसी के मानी है दिल में फी नफसी याकूबा याकूब के दिल में नफसी जो है वो मजरूर है और मुजाफ़ है और याकूबा जो है मुजाफली है कदा उसने बुरा किया उसको कदा फिलेबाजी वाहिद मज़क्र गायब है कदा यकदी से मसर है कदा उन पूरा करना फैसला करना मुकम्मल करनाफ दो रुटवड़ा हा जमीर है व और इन्ना बेशक वो लजुन अलबत् वाला था लालाम तकीद है वू मुज़ाफ है इमिन मुजाफिलई है लिमा व उसके जो ली हरफ जर है मा मस्तरिया है अल्लम ना हु सिखाया था हमने उनको या हमने सिखाया था हमने उसको अल्लम ना ये फैलेबाजी जवाब तक कलम है अल्लाई यो से बसरे तालीम सिखाना हु जमीर है व और लकिन लेकिन ये हरफ मुशबा बिलफेल है अक्सरा अक्सर ये मुजाफ है कसरत से अफल तफदील का सीगा है अनासी लोग ये मुजाफ लई है लाईम इल्म नहीं रखते ये फेल मुजार मनफी जब मुजकर गायब है आलिमा यालमु से मजदर है इल्म जिसके मानी है जानना वा और लम्मा जब दखलू वो दाखिल हुए फेलेबाजी जबा मु जक्र गायब है अला यूसुफ पर यूसुफ पर आवा उसने जगह दी यानी उसने ठहराया हमजा वाह या रुटवड है ये फेले माजी वाहिद मुजक्र गायब है आवा वाह यू वी से बासर है ई वाह उन जगह देना बना देना इलेही अपनी तरफ अखाहू अपने भाई को उसने कहा इन्नी बेशक मैं अना मैं ही अखू का तेरा भाई हूँ अखू मुफ है और जमीर है, फला तब तस ना तू रंज कर ना गम कर बा हमजा रूट वर्ड है शुरू में फ हरफ अत्तफ़ है ला तब इस ये फेले नहीं वाहिद मुजक्कर हाजिर है इब्ता यबता तसु से मजर है इब्तिया रंज करना गम करना बीमा इसके जो कानू थे वो या मलून अमल करते ये फिलेबाजी जमा मुजक्र गायब है फलम्मा, फिर जब ज हजा हम उसने तैयार करके दिया उनको जजा फले माजी वाहि मुजक्र गायब है जहाजा युजा हिजू से मसर है तजहिजन त्यार करना ज़मीर है, बी जहाजी हिम उनका समान जहाजी जो है ये मजरूर है मुजाफ है और हिम मुज़ाफ़ और ज़मीर है, ज्या उसने रख दिया ये फिल्म माजी वाहिद मुजकर गायब है असिक़ायता एक प्याला आब खोरा सीन काफ़िया रुटव है फिर सामान में रा हमजा ला मूटवड़ है राहली मजरूर है अखी ही अपने भाई के तुम्मा फिर हरफ तफये अदना पुकारा ये फिले माजी वाहिद मुजक्र गायब है अदाना यू अदी से मसर है तीन अजान कहना ऐलान करना ए। या एरफ निदा है और जब बुन पर अल आ जाए और वो मोनस हो तो अयतुहा साथ आता है अलो काफले वालोन या रा। रूट है। और ये मुनादा है गधे या ऊंट को कहते हैं जो गले की बारबरदारी के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल होने के बाद ये काफले वालों के लिए भी उनके लिए भी इस्तेमाल होता है और फिर काफले वालों के लिए भी इस्तेमाल होता है इन्ना बेशक तुम लि अलबत् चोर हो, सीन होसिन रूट वर्ड है ला लालाम तकीद है सारी कन जो है वो शरक्का से इसम फ़ाइल जमा ज़क़र है इसका वाहिद होता है सारी कुन, कालू उन्होंने कहा वाह और अकबालू, वो मुतवजे हुए ये फेले माजी जमा ज़कर गायब है अकबला युक से बसर है इकबाल रुख करना मुतव होना अलैहिम उन पर माजा क्या ये इस्तिफामिया है फ़की तुम गुम पाते हो फुटवड है फेले मुजारे जमा मुजकर हाजिर है फ़कदा य दु से मसर है फ़कदून फ़कदान भी ए, इसी से होता है मानी है गुम पाना या महरूम होना या हाथ से चले जा चले जाना किसी चीज़ का यानी खो जाना कलू उन्होंने कहा नफ़ की दो हम गुम पाते हैं फ काफ़ दाल रुठव है फिल मुज़ारे जमा जक्र मतकलम है सोआ इसके मानी है पैमाना और अगर हो अल सुवामालिकी तो इसके मानी होंगे बादशाह का पैमाना यानी बादशाह का पानी पीने का बड़ा बर्तन जिसमें जिसमें से पानी पिया जाता है और नापा भी जाता है और इसका रूट है सौत आइन और अल मली की जो है ये मुजाफ ली है बादशाह को कहते हैं और वाह वाह के मानी और लिबन वास्ते उसके जो जा लाए ये फिली वाहिद मुजक्कर गायब है जा आ है उजी उन जिसके मानी है आना बी ही इसको बी हरफर है ही मजरूर और जमीर है हिमलू बोझ है एक ऊंट का हिमलू मुजाफ है बोझ को कहते हैं और बागीरिन जो है ये मुजाफ लई है और ऊंट को कहा जाता है व और अना मैं भी ही साथ इसके उन कफील हूँ यानी जिम्मेदार हूँ जिन मीम रूटवर्ड है जामत से है ये और जमा है इसकी जुआमा कलू उन्होंने कहा तल्लाही अल्लाह की कसम था हरफ जर है और हरफ कसमिया भी है मानी है कसम और अल्लाह ही जो है वो मजरूर है लक़त अलबत् तहकीकम तुम जान लिया तुमने फेले माजी जमा जकर हाजिर है या आलम मुँह से मजर है इल्म उन जानना माँ नहीं ये नाफ़िया है जी जीना, जीना के मनी है आए थे हम ये फेलेबाजी जमा मुतकलम है लिनुफ सीदा के हम फसाद करें फा सीन दाल रुटवर्ड है ली ला में तालील नासिबा है और नुफ जो है ये फेल मुजार जमा मुतकलम है अफसदा युफ से मसर है इफसाद फसाद करना फिल अर्दी जमीन में व माँ और नहीं कुन्ना है हम ये फेल माजी जमा मुतकलम है सारी चोर सीन रॉक का फ्रूटवड है सरकत मस्तर से ये इसम फाइल जमा मुजक्र है कलू उन्होंने कहा फमाँ तो क्या मा इस्तफ़ामिया है जजा उ उसकी सज़ा जजा उ जो है ये मज़ाफ है और हुफली और ज़मीर है इन मानी अगर ये शर्तिया है कौन तुम अगर हो तुम ये फैले माजी जमा मुज़क्र हाजिर है काजीबिन झूठे झूठ जुट बोलने वाले किसबु उन से ये इसम फाइल जमा मुज़क़्कर है इसका वाहिद है काजिबुन कालू, उन्होंने कहा जजा ऊहू उसकी जजा उसका बदला मन जो ये मसूल है वजदा वो पाया गया है ये फेले माजी मजहूल वाहिद मुज़क़्कर गायब है वजद य से मसर विज़दानुन पाना फी रहली ही उसके सामान में राह रुटवड़ है राहली जो है ये मजरूर है मज़ाफ है सामान को खजावे को, बोरी को बोरी कहा जाता है फ हुआ तो वही फा हुआ की मुनफसला जमीर है ज़ज़ाऊहु बदला है उसका कदाली का इसी तरह का हरफ तशबी है दाली का इसम इशारा वाहिद मज़करबीद है ज़ालिमीन हम बदला देते हैं जालमे को को, या नर्जी, जमा मुतकलम जजा यजी से मसर है जजा उन बदला देना मिन मसर से ये, इसम, जमा है ये इसका वाहिद होता है वालिम फ बद तो वो शुरू हो गए वो शुरू हो गया फ हरफ तफ है बद आ फेले माजी वाहिद मुजकर गायब बद आबदाउ से मसर है बद ऊन शुरू करना इब्त करना बी अति हिम उनके थैलों के साथ वाओ आइन या रूटवर्ड है शुरू में बी हरफ है और अवियाती जो है ये मजरूर है मज़ाफ है इसका वायद है वी आ आ और हिम मुजाफल और जमीर है कबल पहले वी आ ही थैले के बोरे के वाह आइंद रूटवर्ड है मुाफ़ है ये अखी ही अपने भाई के अ़ी मुजाफली मुजाफ़ ही मुजाफली और ज़मीर है तुम फिर इस तखरजा निकालिया उसको यानी उसने निकालिया उसको खर आजिम रुटवड है इस तखरजा फिले माजी वाहिद मुजक्र गायब है इस तखराजा या तख रिजु से मसर है इस तखराजुन निकालना और हा जो है वो वाहिद मोनस्ब की जमीर है थैले से बोरे से वा आइंद या रुटवट है अखी ही अपने भाई के कदाली का इसी तरह किदना तबीर तदबीर की हमने इसका रूटवर्ड है काफ या दाल ये फेले माजी जमा मुतकलम है का यकीदू से मै कैदन तदबीर करना ली यूसुफा यूसुफ्लाम के लिए बाकाना ना था लिया खुदा के ले ले ली लामे ताकीद नफ़ी है और या खुजा जो है ये फेले मज़ार वाहि मुजक़र गायब है अखज़ा या खुजू से मसर है अखजुन पकड़ना लेना अखाहू अपने भाई को फी दीनी दीन में फ़ी हरफ जर है दीनी मजरूर और मुजाफ है अल मलिकी बादशाह के ये मुजाफ लई है इल्ला मगर अन ये के ये मसरिया है यशा अल्लाहु चाहता है अल्लाह आ फेले मुजार वाहिद मुजक्र गायब है, शा से मसर है मशीअत चाहना अल्लाहअ अल्ला। नरफाउ हम बुलंद करते हैं इन है, ये फैले मुजारे जमा मुतकलम रफा आरफाऊ से मसर है रफ उन जिसके मानी है बुलंद करना दरवाजातिन दर्जे वाहिद है इसका दराजत मीन जिसके ये सब है नशाऊ हम चाहते हैं

उसने चोरी की है सीन रॉक ऑफ रूटवर्ड है ये फैले मुजार मज़ूम फैले शर्त वाहिद मज़क्र गायब है सरोसरी कूश मसर सरो तुन सराकन चोरी करना चुराना फ़कत तो तहक़ीक सर चोरी की थी ये फैले माजी वाहिद मुज़क़र गायब है अखुन भाई लहू उसके लिए मिन कबलू इससे पहले फ़ाहर रा तो छुपा लिया इस बात को सिन रौ रुटवड़ है फ़ा हरफ तफ़ है असर रेल माजी वाहिद मज़क्र ग़ायब है सिन रौ रुटवड़ है और फ़ा हरफ़ है असर रेल माजी वाहिद मज़क्र ग़ायब है असर रूसरु से मस्तर है इसरार छुपाना ना हा ज़मीर है यूसुफ़ु यूसुफ़्लाम ने फ़ी नफसी ही अपने दिल में अपने नफ्स में वाह और लमयुबी हा उसने जाहिर नहीं किया उसको बाद दाल वा रूट है, लम ये फैले वाहिद मन गायब है अब दा से मसर है इबदा उन ज़ाहिर करना हा जमीर है उनके लिए काला कहा तुम तुम ये जमा मुजक़र हाजिर की मुनफसला जमीर है शर बुरे हो बुराई को कहा जाता है शर को और बदतरीन शीन रौरा इसका रूटवर्ड है मकानन मुकाम में ये इसम जरफ़ है कन मस्तर से है ये मकान को जगह को दर्जे को मरतबे को मकीन को कहा जाता है और और अल्लाह आलामो खूब जानता है ज्यादा जानता है इमुन मस्तर से ये अफल तफ्दील का सीखा है बिबास के जो तसीफ़ुन तुम बयान करते हो वारुटवड है ये फेले बजारे जबा बोजर हाजिर है वसफा यसीफू से बसर है वसफुन अच्छी या बुरी राय का इजहार करना बयान करना कालू उन्होंने कहा या अयु अल अजीजु ए अजीज इन्ना बेशक लहू उसका अबन बाप शईन कबीरन, बड़ा बूढ़ा है शीन या खा ये इसका रूटवर्ड है शैख़न मसूफ़ है और कबीरन किब्रुन से सिफत मुशबा है फाख़ुस पस ले लो फ़ार फ़ै खुश फेले अमर वाहिद मज़कर हाजिर है अखज़ा या खजू से मसर अखजुन अखजुन के मानी है पकड़ना लेना रखना अहदा ना हम में से किसी एक को अहदा मुजाफ है ना मुजाफले है और ज़मीर है उसकी जगह मकाना मुजाफ है इसम फ है कौन मसर से है ये हु हुई और जमीर है इन्ना बेशक हम न रॉ का हम देखते हैं तुझको मुजार जमा मुतकल्लम है या रु और यातन रू या तुन।, या तुन ये पहले भी आ चुका है मानिया देखना का ज़मीर है मिन ये है से ये हरफ जर है अलमोहसिन एहसान करने वाले ये मजरूर है एहसान मस्तर से इसम फ़ाइल जमा मुजक्र है कला उसने कहा माज़ अल्लाह अल्लाह की पना माज़ा जो है ये मुजाफ है आउजून से मस्तर मीमी है और इसम है आइन वाउजाल रूटवर्ड है अल्लाही अल्लाह ये मुजाफ लई है अन के न खुजा हम लें ये फेले मुजारे जबा मुतकलम है अखजा या खुजू से मसर अखजून पकड़ना लेना इला मगरमन जिसको इस मसूल है ये वजदना ना पाया हमने ये फेल माजी जमा मुतकलम है मताना अपना समान मता जो है ये मुजाफ है समान को कहते हैं और ना मुजाफली है इंदा हु उसके पास इंदा मुजाफ है मुजाफ लई है और जमीर है इना हम इजन तब उस वक्त ये हरफे जजा है यानी जवाब और जजा के लिए आता है दिमुन अलबत्म होंगे दालिमोना जुलमुन मसर से इसम फाइल जमाज़कर है वाहि होता है दालिमुन फलम्मा फिर जब फा हरफ जर है लम्मा इसम जरफ है इस तय ऐसु वो बायूस हो गये या हमजा सीन रूटवर्ड है ये फेलेबाज़ी जमा जक्र गायब है इस असा, यस तयसू से मस्तर है सुन नाउमीद होना मिंदु उससे खलासु अकेले बैठे खा लाम सौद रुटवट है ये फिलेबाजी जबाब गायब है खलासा से मस्तर है खलूसन खालिस होना अलग होना अकेले होना नजीयन सरगोशिया करने को मशवरा करने को नून जीव रूटवर्ड है तंजी या तुन से सिफ्ते मुशब्बा है यानी चुपके चुप के मशरे करने वाले कहा कबीरु हम उनके बड़े ने कबीरु मुजाफ है किबरुन से सिफ्त मुशबा है यानी बड़ा हम जमीर है आ क्या हमज़े है हमसे तुम नहीं जानते हो ये फेले मुजारे मनफी जवा हाजिर है अन्ना यकीन अबाकुम तुम्हारे वालिद ने अबा मुजाफ है कुम मुजाफले और जमीर है कद तहकीक

फ़रता रुटवट है ये फेलेबाज़ी जवाब जकर हाजिर है फ़र्रता यूफ़र्रीतू से बसर है तफ़रीतुन कसूर करना कोताई करना यूसुफ यूसुफ यूसुफ़्लाम के मामले में फ़लन अब्राह तो हरगिज ना मैं टलूँगा फ़ हरफ़ लन अब्राह ये फ़ेले मनफी ताकीद ताकीद के लिए है वाहिद मुतकलम है बरा या मसर है, बरहन जगह से हटना छोड़ना बराहवर है अल अर्दा, इस ज़मीन से हता यहाँ तक के गायत है ये या जना इजाजत दे ये फेले वाहिद मुजक्र गायब है अजीना या अजनु से मसर है इज्न इजाजत देना ली मुझको ली हरफ जर है और या साकिन मजरूर और जमीर है अभी मेरा बाप अभी मुजाफ है और, या साकिन और है। या है ये। यहकुम फैसला कर दे अल्लाह युमा जो है ये फेले मुजारे वाहि मुजकर गायबुम से मस्तर है फैसला करना अल्लाह अल्लाह ली मेरे लिए वाह और हुआ वो खायर बेहतरीन है अल्ला फैसला करने वाला हा रूटवर्ड है हुक्मुन मस्तर से ये ये इसम फाइल जमा मुजक्र है इसका वाहिद होता है अल्लाह की फेले अमर जमा मुजक्र हाजिर है राजा का यजी से बसर है रुजून लौटना वापिस जाना रुझू करना इला अबी अपने बाप की तरफ फकुलिर कहो यह अबाना अहबारे अब्बा जान या हरफ निदा है अबा ना मुनादा है अबा मुजाफ है ना मुजाफली और जमीर है इन्ना बेशक इबना का तेरे बेटे ने इबना मुफ है का मुजाफली और जमीर है सरका चोरी की है ये फेलेबाजी वाहिद मुजक्कर गायब है सरका यस रिकू से मजरा सरा तुन चोरी करना सीन रोका फिर उठवड़ है वमा और नहीं शहीद ना देखा हमने शीन हादव है ये फेले माजी जमा मुतकलम है शाहिदा या शादू से मस्तर है शहादत उन देना इल्ला मगर बीमा सातिसम हमको मालूम हुआ ये फैले माजी जम्म मुतकलम है व माँ और नहीं कुन्ना है हम ये फेले माजी जमा मुतकलम है लिल गैब के लिए भी मजरूर है हाफिजीन हिफाजत करने वाले हिफुल मजर से ये

और अहल काफिला से अल्लाह ती वो जो अकबल ना हम आए हैं फेले माजी जवा मुतकलम है ये अकबला युकबिलू से मसर है इकबाल मुतवजे होना आगे आना रुख करना फी हा इसमें व और इन्ना बेशक हम लसद अलबत् सचे हैं सौदाल है। ला तकीद है मसर से इसम फाइल जमा मुजकर है, वाहिद है काला कहा, बल बल्के ये हर फदराब है सवलत आसान कर दिया सीन वाम वा है फिल माजी वाहिद मुनब है यू से मसर है तस्वील उन बात बनाना घड़ना लकुम तुम्हारे लिए अनफुसु कुम तुम्हारे नफसों ने अनफसु मुजाफ है कुम मुजाफ लई है और जमीर है अमरन एक काम को ये मसर है फ्र जमील तो सबर ही अच्छा है फाहर फै है उन मसूफ है मस्तर है जमील उन जमाल उन से सिफत मुशब्बा है असल्लाहु उम्मीद है कि अल्लाह आशा फिल जमत है और वाहिद मुजक्र गायब है अन के ये मस्तरिया है या तियानी आएगा मेरे पास या वो मेरे पास ले आएगा या ती फेले बजार वाहिद मुजकर गायब है नून जे नूने वक़ाया है या साकिन ज़मीर है वाहिद मुत्तकल्लम की बीहिम उनको जमीयन सबके के सब को जमून से ये बमनी मजमू उन है इन्नहु बेशक वो हुआ वो अल अलीम इल्म वाला है अल्लाह का सिफाती नाम है अल हकीम हिकमत वाला है हिकमत उनसे सिफत मुशब्बा है वा और तवल्ला उसने मुंह फेर लिया ये फेले माजी वाद मुज़क्र गायब है तवल्ला या तवल्ला से मसर तवली मुंह मोड़ना मुंह फेरना अनहुम उनसे वकाला और बोला या असफा है अफसोस हमजा सीन फारूटवर्ड है या जो है वो हरफ निदा है असफ़ा असल में असफ़ी था और मुजाफ बा या मुतकलम था या को अलिफ से बदला गया है और ये मुनादा है यानी अहल अरब हसरत गम के मौके पर बोला करते हैं यानी मेरा अफसोस अला यूसुफ़ा यूसुफ़्लाम पर वाह और इबत सफेद हो गई बा या दौद रूटवर्ड है ये फिल्म माजी वाद मौनसाइबे अबदा यब यद्दू से मसर है आइनन जो है ये मुजाफ है का तस्निया है, हु है। मिनल हुज़नी गम की वजह से हा नून रुटवड़ है हुज़नी मजरूर है फाह तो वो कजीम ग़मगीन थे गम से भरे हुए थे दिल में घुटने वाले को कहा जाता है काफ जो मीम रूटवड़ है कजमुन उन से ये सिफ्ते मुशबा है वाहिद मुजक्र है कालू उन्होंने कहा तल्लाही कसम अल्लाह की तफ्ताऊ इसके मानी है तू हमेशा रहता है या आप हमेशा रहेंगे फा फता हमजा रूटवट है ये फेले मुजारे वाहिद मुजक्र हाजिर है फतिया यफ़ताऊ से मसर है फ़न लगा रहना हमेशा रहना तस्कुरु आप याद करते ये फैले मुजार वाहिद मुज़क्र हाजिर है जकरा यस्कुरु से मसर है ज़िक्र याद करना जिक्र करना यूसुफ़ा यूसुफ़्लाम को हत्ता यहाँ तक के तकुना तू हो जाए ये फेल मुजारे वाहिद मुज़क् हाज़िर है हरदन बीमार बेकार करीबलमर्ग होना ये मसर है या अकुना हो जाए मिन से अलहिकिन हलाक होने वालों में से यानी हलाक होने वाले हालाम का फ्रूटवर्ट है ये मजरूर है इहलाकुन मस्तर से इसम फ़ाइल जमा मुजक्र है ये वाहिद है इसका हालिकुन क़ाला उसने कहा इन्नमा बेशक ये कलम हसर है इन्ना हरफ मुशबा बिल फेल है और मा काफा है अशकु मैं शिकायत करता हूँ शीन काफ वूटवट है ये फैले मुजारम है शका यशकू से मस्तर है शक्का शकवन ये दोनों है शिकायत करना मानी है यानी फरियाद करना बस्सी अपनी परेशानी की बासा सा रूटवड है बस्सी मस्तर है मुजाफ है या सा की मुजाफ लमीर है वाह और हुजनी अपने गम की हस्नी मुजाफ़ है या शाकिन मुजाफली और ज़मीर है अल्लाह की तरफ वाह और आलाम मैं जानता हूँ ये फैले मुजारे वाहिद है, मतक्म अल्लाह की तरफ से माँ जो ये सब मसूल है ला तमुन नहीं तुम जानते ये फेले मुजारे मनफ़ी जमा जकर हाजिर है या बनी या मेरे बेटो इज तुम जाओ जाल हा रूटवर्ड है ये फेले अमर जमा मुजक़र हाजिर है जहाबा यहाबु से मसर है जहाबुन जाना फ तहसास पस टो लगाओ पस तुम तलाश करो फा हरफ़ है तहसा सू फेले अमर जमा मुजकर हाजिर है तहसा या तहसा से मसर है तहसुसन जस जस्तु करना तलाश करना फा यूसुफ्लाम को व और आखी ही उसके भाई की व और ला लाता लाता ला इसके मानी है ला भी है ना शुरू में ना मायूस हो मत मायूस हो ये ना नाउमीद ना हो ये भी मानी है या हमजा सीन इसका रूटवर्ड है तई आसू का ये फेले नहीं जब आप जक्र हाजिर है या ईसा यही या आसू से मजर है यही या आसू, ये मसर है या सुन, यानी नाउमीद होना मायूस होना मिन ही अल्लाह की रहमत से मिन हरफ जर है रूह ही मजरूर और मुजाफ अल्लाफ लई है, अल्ला है इन्ना क्योंकि बेशक ला यई आसू नहीं मायूस होते यानी वो नाउमीद नहीं होते ये फैले मुजारे मनफी वाहिद वाहि गायब है या ईसा यई आसू से मस्तर है या सुन नाउमीद होना मायूस होना मरूह अल्लाह की रहमत से इल्ला मगर ये कलमा इस है अल कौम काफिरून काफिर कौम के अलकौम मसूफ़ है अलकाफिर सिफ्त है कुफर मस्तर से ये इसम फ़ाइल जमा मुजक्र है आइए इन आयत की तलावा सुनते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم قال لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تبقى موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل بعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا, إنا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ، قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرغتم، ومن قبل ما فرغتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان ياتي لي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا जा आयात में था बादशाह रे ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद कहा यूसुफ्लाम को मेरे पास लाओ दरअसल इस ख्वाब की ताबीर कोई भी नहीं बता पा रहा था बल्कि कह रहा था कि ये तो परा गंदा सा ख्वाब है आपकी कोई बिखरी हुई सोचे हैं बेलाखिर यूसफ्लाम ने ताबीर बताई साकी जब उनके पास गया और ताबीर लेकर आया तो बादशाह ने कहा ख्वाब की ताबीर सुनकर के ठीक है यूसुफ को मेरे पास लाओ मैं उसे अपने लिए खालिस कर लूंगा यानी उससे कोई बहुत खास काम लूंगा यूसुफा ने जब उनके पास ये पैगाम पहुंचा तो यूसफ़्लाम ने बादशाह को एक और पैगाम भिजवा दिया कि पहले वो उन औरतों से पूछें कि उनका क्या मामला है उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे बादशाह ने उन औरतों से पूछा तो सब ने कहा कि यूसुफ़ बिल्कुल सच्चा है अपनी सच्चाई साबित करवाने के बाद यूसुफ़लम जो हैं उन्होंने वज़ी ख़ज़ाना बनना पसंद किया हजर यूसुफा इमानत दार थे और इल्म वाले थे इल्म भी रखते थे इस तरह अल्लाह हजरत यूसुफ यूसुफा को इकतदार अता फरमाया वो खुद मुख्तार थे आज की आयत हजरत यूसुफ यूसुफा के वजीर खजाना बनने के सात आठ साल बाद की हैं आज की आयत से बनी इसराइल के बिसर मुंतकिल होने और हज़र यकूब को अपने बेटे यूसुफ यूसुफा का पता मिलने की इब्ता होती है आज की आया से हजर यूसुफ यूसुफा की हुकूबत के पहले सा साल बतौर वजी ख़जाना इंतहाई खुशहाल गुजरे इन सालों में हजर यूसुफ यूसुफा ने बड़ी हमत से गला जो है वो खोशों के अंदर महफूज कर लिया मिसर के गदरवा की बस्तियों को गल्ला देना जो है वो मिसर का काम था आज की आयत का आगाज इसी बात से हो रहा है कि हजर यूसफ़ के भाई भी गला लेने मिसर पहुंच गए लिहाजा कहा जा रहा है आयत आयर फिफ्टी एट हैर्जबा है, है यूसुफ़लम के भाई मिसर आए और उसके यहाँ हाँ हाजिर हुए उसने यानी यूसुफ़लम ने उन्हें पहचान लिया मगर वो इससे ना आशना थे वजातफ़ और यूसुफ़ल के भाई उनके सामने पेश हुए गल्ला लेने कनान से यूसुफ़लम के दस भाई गल्ला ख़रीदने मिसर पहुँचे यूसुफ्सम के पास हज़र यूसुफा के हकीकी भाई बिन जामीन को तो वो कनान में बाप के पास ही छोड़ आए थे बहरूनी से आने वाले हर फर्द के लिए गले की जो है वो मकदार मुकर्र थी फारा फाहम लहूम उनकी रोन तो यूसुफा ने उन्हें पहचान लिया मगर वो यूसुफा को नहीं पहचान पाए देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को इसलिए पहचान लिया था क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो भाई उस वक्त भी बड़े हो चुके थे अब मजीद इतनी तब्दीलियां नहीं आई थी लेकिन उनके भाइयों ने अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था एक तो देखें उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अजीज़ मिसर उनका भाई यूसुफ हो सकता है क्योंकि वो तो अपनी तरफ़ से उसे बचपन में ही कुएं में डाल चुके थे कहा जाता है कि हज़र यूसुफ़ इस्लाम की उम्र सात साल थी और कुछ रवायात में कुछ और भी कहा जाता है और उस वक्त वो बहुत छोटे थे और जारी बात है अब जवान थे तो बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी थी आयत फिफ्टी नाइन है तर्जुबा है फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा अपने सोतीले भाई को मेरे पास लाना देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ यहाँ सबसे पहले है वम्मा हज भी जहाज तूनी बि अखिल्ला फिर जब आपने यानी यूसुफा ने उनका सामान तैयार करवा दिया तो फरमाया कि आइंदा अपने उस भाई को भी मेरे पास लेकर आना जो तुम्हारे वाल से है यानी तुम्हारा जो स्वतीला भाई है दरअसल हर शख्स के गले की मकदार जो है वह मुकर्र थी जब दस भाइयों को एक एक ऊंट के बोझ का गला मिल गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारा एक बाप शरीक भाई भी है जिससे हमारा बाप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो बाप की तसल्ली और खिदमत के लिए बाप के पास रुक गया है लिहाजा उसके हिस्से का भी हमें गला दे दिया जाए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे ग्यारहवें भाई का गला इस शर्त पर दूँगा कि आंदा उसे भी साथ लेकर आना फिर उसका हिस्सा भी पूरा पूरा दूंगा अला तरफ क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पैमाना पूरा भर कर देता हूँ और बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ यानी मेहमान नवाजी करने वाला हूँ यहाँ वो यही कह रहे हैं यूसुफ असलाम कि ले आओ उसको भी मैं उसे पूरा पूरा नाप कर दूंगा और मेहमान नवाजी खातिर मदारत भी खूब करूंगा क्योंकि मैं करता हूँ मेहमान नवाजू तेहमाना खूब भर भर कर मैं देता हूँ हक से बढ़कर देता हूँ यानी एहसान का मामला करता हूँ और इज्जत भी साथ में देता हूँ आयत नंबर सिक्सटी है फिलमता तूनी बिही फला कई लुम इंदी वला तब तर्जबा है अगर तुम उसे नहीं लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गला नहीं है बल्कि तुम मेरे क़रीब बिना पटकना अच्छा सलाम अपने सगे भाई बिन यामीन से मिलना चाहते थे लिहाजा उडो अपने भाइयों को धमकी देते हुए कहा कि आइंदा अगर तुम अपने ग्यारहवें भाई को नहीं लाओगे तो गल्ला लेने ही मेरे पास नाना, मेरे करीब बिल्कुल नाना, मतलब ये था कि ये नहीं होगा कि उसका गल्ला नहीं मिलेगा बल्कि फिर तो किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो चाह रहे थे कि यह हर सूरत इनके भाई को लेकर आए आयतबर सिक्सटी वन है कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब जो हैं इसे भेजने पर राजी हो जाए बिन यामीन को यूसुफा ने जब कहा कि आइंदा अगर ग्यारहवें भाई को यानी बिन यामीन को नहीं लाओगे तो गला लेने मेरे पास बिल्कुल नहीं आना अब गल्ला तो मजबूरी थी उनकी कहत था अगर गला नहीं ले जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे लिहाजा उन्हें पता था कि जो हमने यूसुफ के साथ किया है उसके बाद तो किसी सूरत हमारे बाप ने बिन यामीन को हमारे साथ नहीं भेजना था लेकिन अब मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है कि हम जरूर राजी कर लेंगे उसे लिहाजा ले वो कहने लगे कि हम अपने बाप को आमादा करने की क़ायल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और वो हमारे साथ हमारे अलाती भाई को भेजने पर राज़ी हो जाएगा हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे आयतबर सिक्सटी टू है

पहचान जाएंगे तो मुमकिन है कि ये फिर लौट कर आएंगे यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है वक लिफित और यूसुफा ने अपने नौजवानों से कहा इनकी पूंजी भी वापिस इनके खिजावों में रख दो दरअसल वो गला खरीदने के लिए भेड़ बकरियों की ऊन लाए थे और उस बारे में चीज़ों के ईव ही चीज़ें ख़रीदी जाती थीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो उनके खादिम थे ग़ुलाम थे जो दरबार में इस काम के लिए मामूर थे उनसे कहा कि इनके खजावों में जो ऊँट के ऊपर होते हैं ना बोरे उनके अंदर जब इनके लिए गल्ला डालोगे उन बोरों में तो उस गल्ले के साथ साथ इनकी लाई हुई ऊन भी वापस रख दो यारिफूना ताकि वो पहचान ले उनको जब लौटे अपने अलोयाल की तरफ कि इस तरह वो दोबारा आए यहाँ यही बताया जा रहा है कि सलाम ने इसलिए कहा था कि ये जो ऊन लाए हैं खरीदने के लिए इसे भी वापस रख दिया जाए इनके गले के साथ यानी ये जब अपना गला खोलेंगे घर जाकर और देखेंगे कि ऊन भी वापस आ गई है इनका जो माल था वो भी वापस आ गया है तो वो इस फ़ियाज़ी और एहसान मंदी की वजह से दोबारा आएंगे और फिर उन्हें ये भी ख़दशा था यूसुफ़लम को कि ये ना हो अगली दफ़ा इनके पास लाने के लिए ऊन या कोई भी पूंजी ना हो और फिर ये ना आए वो चाह रहे थे कि वो हर सूरत आए ई बात है उन्हें पता था कुछ भी कर लो वहाँ बिन यामीन भी था इनके वाल साहब भी थे फिर सोतीली माँ भी थी और जो भी कर लो ये भाई भी तो थे ही ना उनके तो ये उनकी उनके लिए हमदर्दी थी और फिर वो मिलना भी चाहते थे अपने भाई से बिन से ये भी वजह थी और जहर ही ये सब असबाब बनाते हैं और अल्लाह सुबहाना तै के हर काम में कोई ना कोई मशीयत होती है कोई ना कोई मसलहत होती है कोई ना कोई हिकमत होती है और यहाँ यही था कि अल्लाह सुबहान तज़रत याकूबा को और उनके बेटों को सबको कनान से लाकर मिस्र में आबाद करना था आयत सिक्सटी 63 है फलमा रजाऊ अला अबीम कलु या अबाना मुनिया मन कैलु फारसिलहू लाफि तर्जुबा है जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा कि अब जान आइंदा हमें गला देने से इनकार कर दिया गया है लिहाजा आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम गला लेकर आए और हम इसकी हिफाजत के भी ज़िम्मेदार हैं सबसे पहले है आयत प फलम रजाउला अबी या अबाना मुनिया मिनल कैल जब वो अपने बाप के पास वापस पलटे तो कहा कि अबाजान आइंदा हमको गला देने से इनकार कर दिया गया है यानी ये नहीं कि हमें जितना इस दफ़ा लाया इतना ही मिलेगा कि हम बिन याबिन को नहीं लेकर गए उसका हिस्सा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा बल्कि सिरे से कुछ भी नहीं मिलेगा बस अब तो हर सूरत आपको एक काम करना ही होगा और वो ये था फारस माना हाना इन्ना लहू लहाफिजून तो आइंदा हमारे भाई को हमारे साथ भेजिए ताकि हम इसके हिस्से का भी गल्ला जो है वो लेकर आएं और हम इसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे अगर यूसुफ़ अल्लाम के जो भाई हैं वो अपने बाप से यही कह रहे हैं कि अब तो बस गल्ले का मिलना मशरूत हो गया यानी एक ही शर्त पर मिलेगा और वो शर्त ये है कि हम अपने भाई बिन यामीन को अपने साथ लेकर जाएं। यानी अब गल्ला लाने के लिए इसे हमारे साथ जाना जो है वो जरूरी हो गया है इसको साथ ले जाना बहुत ही जरूरी हो गया है लिहाजा इसे भेज दीजिए ताकि हम पैमाना भर कर गला लाए जितना इस दफा लाए ऐसे भी ज्यादा लेकर आएंगे और ये ना गया तो कुछ भी नहीं लाएंगे फिर है मतलब यही था कि भूखे मरेंगे व इन्ना लहूल हाफिजून, और यकीन हम इसकी जरूर हिफाजत करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इससे पहले वो ऐसे ही अहदोपैमान और वादे करके गए थे कि जी यूसुफ को जरूर लेकर आएंगे वो जहाँ उसकी हिफाजत करेंगे लेकिन फिर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके थे क्योंकि शुरू में नियत में खराबी थी वो तो इस नियत से लेकर ही नहीं गए थे अब उन्हें ये था कि हमारा बाप तो हम पर एतबार ही नहीं करेगा यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हम इसकी जरूर ब हिफाजत करेंगे यानी अब तो हर सूरत आपको हम पर यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो अनाज चाहिए गल्ला चाहिए और गल्ला लाने के लिए बिन्यामीन चाहिए आयत नंबर 64 है काला हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीही मिन कबल फलाहू खैरु हाफिजा व हुवा अरहमुर तर्जबा है याकूब असलाम ने कहा क्या मैं वैसा ही तुम पर एतबार कर लूँ जैसा कि इससे पहले इसके भाई के बारे में एतबार किया था अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है सबसे पहले है कल हल हज़रत याकूब याकूब्लाब ने फरमाया कि क्या मैं इसके बारे में उसी तरह तुम पर एतबार कर लूँ जैसे मैंने इसके भाई के बारे में तुम पर एतबार किया था यानी यूसुफ़ यूसुफ़ा की दफ़ा तुम पर एतबार किया था फिर मालूम नहीं उसके साथ तुमने क्या किया क्या फिर ये गलती कर लूँ एक बार फिर तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ फिर पहले की तरह बहुत बड़ा कोई मुझे धचका लग जाए तो क्या करूँ फ़ैरफिजा वाह हुन अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़ है और सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है यहाँ वो सबसे पहले तो हजा यूसुफ़ा के बारे में फरमा रहे हैं कि मेरी तो हमेशा यही दुआ रही है कि अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ोमान मान में रखे जिंदा सलामत रखे और कायम और दायम रखे वो जहाँ कई भी है मैं उसके लिए अल्लाह से रहम का तलबगार हूँ फिर वो बिन के बारे में भी, भी कह रहे हैं कि असल हिफाज़त तो अल्लाह की होती है हम तो तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश कर सकते हैं हिफाजत के लिए जो भी इकदाम होते हैं वो इख्तियार कर सकते हैं लेकिन फिर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है फिर वो एक तरह से अपने दोनों ही बेटों को अल्लाह की हिफाजत में दे रहे हैं और अल्लाह से उन्हें बहुत अच्छी उम्मीद भी है यही वजह है कि कह रहे हैं वाह हुआ अरहम वाह हुआ अरहमर्राहिमीन के सबसे ज़्यादा रहम करने वाली तो अल्लाह सुन त फिर अल्लाह सुबहाना ताल की रहमत से क्या नाउमीदी ज़ाहिर है वो एक पैगंबर थे अल्लाह सुबहान उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था और उन्हें अल्लाह के वादों पर यकीन था और फिर वो जो एक ख्वाब था हजरत यूसुफ़ा ने देखा था और इन्होंने उसकी ताबीर भी की थी वो भी उन्हें अच्छी तरह याद था और

दाली का कई लुई या सीर तर्जुबा है और फिर जब उन्होंने अपना सावार खोला तो देखा कि उनकी जो पूंजी है वो भी उन्हें वापस कर दी गई है बहुत खुश हुए कहने लगे जान हमें और क्या चाहिए हमारी तो पूंजी भी हमें लौटा दी गई है अब हम जल्दी अपने घर वालों के लिए एक ऊंट भर का गल्ला ज़्यादा लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और ये गला लाना तो बिल्कुल आसान है आयत में सबसे पहले है वहत और जब उन्होंने अपना सवार खोला तो देखा कि उनकी पूंजी जो है वो लुटा दी गई है गला खरीदने के लिए जो ऊन वो लेकर गए थे जब वो गला लेकर आए कनान पहुंचे तो उनके गले के अंदर उनकी पूंजी भी पड़ी हुई थी बहुत खुश हुए कलु या अबाना माँ नबोगी हाजी ही बी द आतू ना रुदतना पुकार उठे कि अब्बा जान हमें और क्या चाहिए यह देखें हमारी पूंजी तक हमसे लुट हमें वापस लुटा दी गई है व नमीरुआलाना व नहफुआ अखाना व नसदादु कैला बीर दाली का कैलोई या सीर अब हम जाएंगे और अपने अहलोयाल के लिए गला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ ज़्यादा लाएंगे यानी ये इजाफ़ी बोझ लाना तो अब बहुत ही आसान है बस इतना सा करना है कि बिन यामिन जो है वो हमारे साथ चला जाएगा और हमें इसके हिस्से का गला भी मिल जाएगा और ये तो इजाफी गला होगा और कितनी आसानी से मिल जाएगा यानी सिर्फ़ बिन यामिन को तो साथ ले जाना होगा लिहाजा इस गले को लाने की क्यों ना कोशिश की जाए यानी बिन यामिन को तो जरूर ले जाना चाहिए ये कहा जा रहा है यहाँ आयत तबर 66 है قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط

उसको अपने अपने अहदो पैमान दे दिए तो उसने कहा जो कुछ हम कॉलो करार कर रहे हैं अल्लाह इस पर जामीन है इस पर गवाह है आयत पे सबसे पहले है قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बे इसे यानी बिन यामिन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि तुम मेरे सामने पुख्ता कसम खाओ अहद करो अल्लाह की कसम खाओ कि तुम लाजमन इसे लेकर आओगे मेरे पास सिवाय इसके कि तुम सबको घेरे में ले लिया जाए यानी अल्लाह की कसम खाकर मुझे यकीन दिलाओ कि तुम बिन यामिन को जरूर जरूर वापस लेकर आओगे इस शर्त पर भेजूंगा हाँ अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए और तुम सभी घेर लिए जाओ पकड़े जाओ और जान छुड़ाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाए तो फिर और बात है मगर आम हालात में तुम जरूर इसे वापस मेरे पास लाओगे फिर कहा जा रहा है फलम आ तो मऊसीम क़लाम नकूल वकील फिर चबुरे यानि उनके बेटों ने हज़र याकूब्लाम से पुख्ताद पैमा ले लिए तो याकूबिल्लाब ने फरमाया कि जो कुछ हम अहदोपमान यानी कौल वरार कर रहे हैं अल्लाह इस पर ज़ामिन है यानी बेटों के शदीद याकूब हज़रतक़ूब जो थे वो फिर मजबूर हो गए थे वैसे भी अब कोई और तो रास्ता था ही नहीं ना वल्ला तो लाना ही लाना था उन्होंने अपने बेटों से अल्लाह के नाम पर पुख्ता वादे लिए और शर्त भी रख दी कि आखिरी वक्त तक बिन यमीन को हिफाजत के साथ वापस लेकर कर आना इसकी हिफाजत करना हाँ अगर तुम ख़ुद भी पकड़े जाओ घेर लिए जाओ तो फिर अलग बात है और बेटों ने यह शर्ट जो है वो मान ली हजरत हज़र यब ने इस पर कहा कि ये जो कौल पैमान हमने किए हैं ना अल्लाह इस पर गवाह है और वही हर काम का कारसाज़ है और वही निगेबान है वही निगरानी कर रहा है यानी निगरानी में अल्लाह के दे दिया हिफाजत में अल्लाह की दे दिया लेकिन जो भी इसबाब و اختیار کر سکتے تھے اپنی تسلی کے لیے وہ سب انہوں نے اختیار کیے آیت تبر 67 ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ واحد وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَبَاعُنِي أَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ अलई ही तो उसने कहा मेरे बच्चों के शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलफ दरवाजों से ज्यादा अगर मैं अल्लाह की बशियत से तुमको नहीं बचा सकता अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता मेरे उसी पर भरोसा किया है और जिसको भी भरोसा करना है बस उसी पर भरोसा करे सबसे पहले कहा जा रहा है वक़ाला या बनी या तद ख़ुल्लू माद और मिन कहा, वहा मेरे बेटो तुम लोग एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना ये थी तदबीर जो वो कर रहे थे हजरत याकूब ने बेटों को नसीहत की उनको हदायत की कि तुम सब मिलकर कर इकट्ठे एक ही दरवाज़े से बिल्कुल दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना देखें वो ग्यारह थे कदावर थे अच्छी शक्लो सरत थी देखे एक तो ये वजह थी के इकट्ठे दाखिल होंगे तो उनको देख कर कोई हसद भी कर सकता है या कहत के ज़माने में इन भाइयों के जत्थे को देख कर कोई ये भी गुमान कर सकता है कि हो सकता है ये लूट मार के लिए आए हों यही वजह थी कि हजरत याकूब ने उन्हें कहा कि अगर तुम घेर लिए जाओ तो और बात है नहीं तो अल्लाह इस पर गवाह है हमारे अदो पैमान पर कि तुमने हर सूरत बिन यामीन को वापिस लेकर आना है देखें एक वजह यह भी थी कि नज़र बद भी लग सकती थी क्योंकि नज़र का लग जाना तो बरहक है ना यही वजह है कि जब कोई चीज अच्छी लगे तो हमें क्या कहना चाहिए माशाल्लाह और अल्लाह अल्लाह और बरकत डाले और जिसकी नज़र लगी हो उसे कहा जाए कि गसल करे और गसल का पानी उस शख्स के सर और जिसम पर डाला जाए जिसको नज़र लगी हो फिर है मिन, अल्लाही मिन और मैं तुम्हें अल्लाह के फैसले से कुछ भी नहीं बचा सकता यहाँ याकूब यूब फरमा रहे हैं कि मैं ये एहतियाती तदाबीर तो कर सकता हूँ लेकिन मैं अल्लाह की मशियात से और अल्लाह के फैसले को तकदीर को नहीं बदल सकता अल्लाह के फैसले को नहीं डाल सकता यानी बिल आखिर तो वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा आयत के आखिर में है लिल्लाह अलैहि ही तवक्ल अलैहि अल ही ही हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को सिर्फ उसी पर भरोसा करना चाहिए यहाँ से पता चलता है कि हमें जहरी इसबाब तो ज़रूर इख्तीय करने चाहिए पूरी कोशिश करनी चाहिए यानी जो भी एहतियात हम कर सकते हैं तदाबीर कर सकते हैं करनी चाहिए लेकिन ये भी अल्लाह का हुक्म है कि करो अख्तियार ना। लेकिन बिल आखिर होता वही है जो अल्लाह चाहता है क्योंकि तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है ना अल्लाह को पता होता है कई दफ़ा कुछ हमें नहीं पसंद होता लेकिन उसी में खैर छुपी होती है लिहाजा हमारा भी अल्लाह पर मुकम्मल कामिल भरोसा होना चाहिए और और तो कोई भरोसे के काबिल भी नहीं है ना यानी हर एक को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की जात पर ही भरोसा करना चाहिए और देखिए मुश्किल वक्त में मदद तो अल्लाह ही की तरफ़ से आती है ना हमें ये यक़ीन होना चाहिए कि जो भी आजमाइश आ रही है कुछ भी ऐसा हो रहा जो हमें नहीं पसंद आ रहा वो अल्लाह का फैसला है कई दफा हमारे गुनाहों की सजा हमें मिल रही होती है अल्लाह हमें पाक साफ कर रहा होता है या हमें कुछ सिखाने के लिए आजमाइश आती है हो सकता है हमने आगे जाकर इससे भी बड़ी गलती करनी हो और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाना हो उससे पहले ही छोटी आजमाइश आ जाती है और हम अपनी असलाह कर लेते हैं और कई दफ़ा अल्लाह सुन्ना तला ने कोई बहुत बड़ा काम लेना होता है और अल्लाह ताला बंदे को आजमाइशों से गुजार कर उसका अहल बना रहा होता है उसकी असलाह कर रहा होता है जब आजमाइश आती है ना तो अल्लाह से ताल्लुक भी मजबूत हो जाता है कुरबे नसीब होता है अल्लाह अल्लाह के सामने बंदा फिर गिड़गड़ाता है ना रोता है अपनी असलाह की भी फिक्र करने लगता है इसतबार भी कसरत से करता है और ज़्यादा अल्लाह ताला फिर नेमतें देते हैं खैर बरकत का नजूल होता है इसतबार के भी तो की अपनी बरकतें हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे जो रहमत के दरवाज़े हैं वो खुल जाते हैं अल्लाह ताला हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करने वाला बनाए और अपनी पूरी कोशिश करें उसके बाद जो भी हमारे साथ हालात पेश आए उस पर राज़ी हो जाएं क्योंकि वो फिर अल्लाह का फ़ैसला है अल्लाह ने हमारे लिए हमारी सोच से भी ज़्यादा हमारे लिए भलाई और ख़ैर जो है वो छुपा कर रखी होती है

चुराचे जिस तरह उनके बाप ने शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था वैसे ही वो इस पर दाखिल हुए उसकी ये तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आई ये तो महज़ याकूब लाम के दिल का अरमान था जिसे उसने पूरा किया था बेशक वो वारी दी हुई तालीम की वजह से इल्म थे। मगर अक्सर लोग ये हकीकत नहीं जानते यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है व लम्मा दाखिलु मिन हाइसु अमर हम अबू हम और जब वो उन्हीं रास्तों से दाखिल हुए जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था यानी अलैहि सलाम ने बेटों से कहा था ना कि एक ही दरवाज़े से सब ना दाखिल होना बल्कि मुख्तलफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना कोई इधर से कोई उधर से कहा जा रहा है माँ का ना युगनी बद और उनको अल्लाह के फ़ैसले से बचाने वाला ना था वो से मुरादा याकूब लाम उनको अल्लाह के फ़ैसले से बचाने वाला ना था यानि अपने बेटों को सिवाय इसके कि याकूब आसमाम के दिल में एक ख़्याल था जिसे उसने पूरा कर दिया यहाँ बताया जा रहा है दिल में आने वाले खटके को और जो भी उनके दिल में एक ख़्याल आ गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए उसे दूर करने के लिए दिल की तसल्ली के लिए अपनी एक ख्वाहिश को और मान को पूरा करने के लिए उन्होंने बेटों को एक तदबीर इख्तियार करने के लिए कहा था ताकि वो एक से नहीं बल्कि मुख्तलित दरवाजों से दाखिल हों कहा जा रहा है हज़र याकूब आलाम की तदबीर का असर ये हुआ चले ये तो हुआ ना कि नज़र नहीं लगी लेकिन हज़र याकूब आलाम की ये तदबीर जो है वो अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकी लिहाजा जैसे कि पहले भी हमारी बात हुई है कि हमें इसबाब और इख्तियार करने के बाद भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर करना चाहिए ये नहीं कि हम कोई भी कोशिश नहीं कर रहे कोई भी सबब नहीं इख्तियार कर रहे मसलन अगर कोई बेरोज़गार है तो तदबीर इख्तियार करेगा ना अगर कोई होना है तो काम करेगा नौकरी ढूंढेगा और अगर हुनर ही नहीं है तो पहले कोई हुनर सीखेगा उसके बाद फिर पूरी कोशिश करने के बाद वो लगा रहेगा तगो में और फिर अल्लाह है जो उसके लिए बेहतर चाहेगा कोई ना कोई रास्ता बना देगा लेकिन अगर वो घर में बैठा रहेगा कुरान में भी है ना जब तक आप अपने दोनों हाथ आगे करके पानी को दरिया में से चुल्लू भर के नहीं पिएंगे वो आपके मुंह में नहीं जाएगा दूर से आप कहें जी पानी आ जाओ आ जाओ तो नहीं आपको चल के जाना पड़ेगा अपने हाथ झुकाने पड़ेंगे पानी भरना पड़ेगा फिर मुँह तक ले जाना पड़ेगा यानी कोशिश तो करनी पड़ती है तदबीर तो इख्तियार करनी पड़ती है तो देखें हमारा भरोसा भी जो है ना वो सिर्फ अपनी तदबीरों पर नहीं होना चाहिए अपने इसबाब पर नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह अल्लाह के फजल पर ही हमारा भरोसा होना चाहिए ना। अब कोई अपने बच्चे का इलाज कर करवाने के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा है ठीक है ना बेलाखिर कोई डॉक्टर्स को मिल गया बच्चा शिफा याब हो गया अब वो कहे जी बच्चे ने बच्चे की ज़िंदगी को उस डॉक्टर ने बचा लिया तो तो शिरक हो जाएगा हाँ ये कह सकते हैं कि अल्लाह सन्ना ने उसके हाथ में शिफा रखी है और उसके वसीले से अल्लाह ये इलाज करवाया और अल्लाह ने शिफा याब किया वा इन्ना हु हु वला किन्ना ला और यकीनन आप साहेब इल्म थे उस इल्म के अतबार से जो हमने आपको सिखाया था लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते अल्लाह सबा यही फरमा रहे हैं कि याकूब याकूब्ल्लाम पैगम्बर थे और अल्लाह जो हैं, वो अपने पैगम्बरों को इल्म और हमत से नवाजते हैं लिहाजा याकूब याकूबा जानते थे कि इंसानी तदाबीर भी फ़ायदा देती हैं लेकिन अल्लाह की मशीयत को नाफिस होने से नहीं रोक सकती और अल्लाह ताला पैम्बरों को उतना ही इल्म देता है जितना वो चाहता है अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये तो एक पुख्ता यक़ीन डाल दिया था कि बचपन में यूसुफ़ा के देखे हुए ख्वाब की तबीर ज़रूर सच साबित होगी उनका बेटा कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िंदा है लेकिन कहाँ है ये इल्म नहीं दिया था तो यहाँ यही कहा जा रहा है वाला किन्ना नासी ला याम लेकिन अक्सर लोग तकदीर और तदबीर के असरात को नहीं जानते आयत नंबर सिक्सटी नाइन है दखलुफ आवाही अहू इी अन् फ़ला तब तबाह कानू या मलून तर्बा है जब वो लोग यूसुफ़लम के पास आए तो यूसुफ्सलाम ने अपने भाई को अपने पास जगा दी और उसे बता दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ लिहाजा तुम अब इनकी बातों का जो ये करते हैं उनका म ना करो सबसे पहले है वलम आवा काल इन्नी अना अखुक और जब वो आए यानी यूसुफा के भाई आए यूसुफा के पास तो यूसुफा ने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं ही तुम्हारा हकीकी असल भाई हूँ यूसुफ यूसुफ़ा ने अपने छोटे भाई को तन्हाई में बुलाया और बताया क्योंकि बचपन ही में ये गुम हो गए थे छोटे भाई को बस इतना ही पता था कि मेरा एक सगा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है और ज़ाहरी बात है जब दोनों भाई मिले होंगे तो बहुत कुछ सुना और बताया गया होगा यूसुफ्लाम ने भी अपना सब कुछ बताया होगा और उनके भाई ने भी बताया होगा कि उनके साथ भाई उसके जाने के बाद क्या सलूक करते रहे यही वजह है कि यूसुफा कह रहे हैं फला इस बीमा कानू या मालून बस अब तुम इनकी बातों पर गम ना करो जो ये करते हैं यानी जो हो गया गुजर गया उसको भूल जाओ अब अच्छा वक्त आने वाला है क्योंकि हज़र यूसफ को मालूम हो गया था कि मेरी जुदाई के बाद मेरे बाप की सारी जो तोजो थी और जो मोहब्बत का मरकज़ था वो ज़ारा बिन यामीन बन गया था और मेरे सतीले भाई जो हैं इसी वजह से इसको भी तंग करते रहे होंगे जब हजरत यूसुफा ने अपने सारे गुज्त हालात बताए भाई को तो फिर बिन यामीन ने भी बताया कि जो नारवास लोग उनके भाई उसके साथ करते रहे हैं और फिर ये भी बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में उनके बा बाप का जो है वो पीछे से क्या हाल हो गया है कुछ महासरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि बिन यामीन ने हजरत अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि मैं अब वापस इन भाइयों के साथ नहीं जाऊँगा जिस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तसली दी और फरमाया फला तब तक इस विवा या नाम के जो कुछ ये तुम्हारे साथ करते रहे हैं आप उन उन पर गम ना करो यानी अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह तआला ने मुझे आला मुकाम दिया है इतनी इज़्ज़त दी है किसी चीज़ की कमी नहीं है और अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान ये किया है कि आपस में हमें मिला भी दिया है लिहाजा आप तो अच्छा वक्त आने वाला है और यूसुफा ने फिर अपनी अपनी एक तदबीर भी की यानी बताई तो अल्लाह सुबाना ने थी अल्लाह तो कहते हैं कि मैंने की थी उसका जिक्र अगली आयत में है आयत से फिर जब यूसुफ असलाब ने सबान त्यार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने भाई के खुजावे में रख दिया फिर एक पुकारने वाले ने कहा ए काफले वालो तुम चोर हो सबसे पहले कहा जा रहा है फिर जब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए उनका सामान तैयार करवाया यानी अपने भाइयों के लिए जो मुकरर गल्ला था, वो ऊंटों पर कहा के रख दो तो पानी पीने का प्याला अपने भाई के सामान में यानी गल्ले के साथ रख दिया कहा जाता है ये बादशाह का ख़ास प्याला था सोने का बना हुआ था प्याले की चोरी के बारे में भी मुफसरीन की कई एक आरा है। हैं एक राय तो ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने प्याला खुफ़िया तौर पर बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया था अमले के लोगों को नहीं मालूम था यही वजह है कि जो अमले वाले हैं वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कह रहे हैं कि तुम चोर हो दूसरी राय यह है कि अलैहिस्सलाम के भाइयों को चोर कहना तौरिया था क्योंकि उन्होंने हजर यूसफ़ को बचपन में अपने वालद से चुरा लिया था ज़ाहिर कुएँ में फेंक दिया था वालद साहब को तो अभी तक नहीं मिले थे ना जबकि बास मुफ़रीन का कहना है कि ये तदबीर ख़ुद अल्लाह ने हज़र यूसफ़्लाम को सिखाई थी क्योंकि आयत नंबर आगे सेवेंटी सिक्स में आएगा अल्लाह ताली फरमाएँगे हमने यूसुफ़ की खातिर ये तदबीर की है लिहाजा अल्लाह के तकम से प्याला जो है वो रखवाया गया था जैसा कि सतुलफ में हज़रत हज़र ख़ज़राम ने कई काम जो हैं वो बज़ाहिर शरीयत के ख़िलाफ़ किए थे जो कि अल्लाह स्वाना ताल के तकवीनी हुक्म से किए गए थे इसलिए ये उनके लिए जायज़ थे इसी तरह हज़रत हज़र यूसुफ् ने जो अमल किया वो अल्लाह के से किया था लिहाजा फिर कहा जा रहा है इन्नकुम एक पुकारने वाले ने फिर पुकार लगाई कि ए काफले वालों तुम लोग चोर हो जब काफिला चल पड़ा तो उसे रोक लिया गया कि जी हमारे यहां तो कोई चीज चोरी हो गई है और हमें तुम पर शक है तुम में से कोई चोर है ने जो अमल किया वो अल्लाह के हुक्म से किया था लिहाजा फिर कहा जा रहा है वालो तुम लोग चोर हो जब काफिला चल पड़ा तो उसे रोक लिया गया जी हमारे हाँ तो कोई चीज चोरी हो गई है और हमें तुम पर शक है तुम तो में से कोई चोर है आयत नंबर है। है। तर्जबा उन्होंने पूछा उनकी तरफ मुड़कर के आपकी क्या चीज गुम हुई है यहाँ यही बताया जा रहा है कि पुकारने वाले की पुकार सुनकर यूसुफ असलाम के भाई जो हैं, वो पीछे मुड़े और उन्होंने पूछा कि भी क्या चीज़ गुम हो है? हमें चोर क्यों कह रहे हो जरा ये तो बताओ आयत 72 है उन्होंने कहा कि बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा और जो भी उसे ला कर देगा उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में ज्यादा मिलेगा और मैं इस इनाम के दिलवाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ सबसे पहले है कल उ नफकदु सवाल मालिक उन्होंने कहा यानी अमले वालों ने कहा पहले अमले वालों ने पुकारा कि जी तुम चोर हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि क्या गुम हो गया है तो अब उनको वो बता रहे हैं कि क्या गुम हो गया वो कह रहे हैं कि हम बादशाह का प्याला पैमाना दोनों काम उससे लिए जाते थे वो गुम पाते हैं यानी यह हमारे बादशाह का तो प्याला ही गुम हो गया है वली मंजा अभी ही हिमल बाईम और जो कोई बादशाह का प्याला लाएगा उसे एक ऊंट के बोझ के बराबर गला दिया जाएगा फिर वो कहते हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं यानी मैं जिम्मेदार हूँ कि बादशाह से मुकर इनाम जो है वो दिलवा दूंगा आयतबर सेवेंटी थ्री है वो कहने लगे अल्लाह की कसम तुम खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और ना ही हम चोर हैं यूसुफा के भाइयों ने अचोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले अमले के लोगों से कहा कि अल्लाह की कसम आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहत के बारे लोग हैं अपनी हजत पूरी करने के लिए इतनी दूर से गला लेने के लिए आए हैं हम कोई चोर डाकू तो नहीं है आय तबर सेवेंटी फोर है कलू फमा जजा उहू इन तुम कार है कहा अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है अगर तुम लोग अपने इस दावे में तुम चोर नहीं हो झूठे निकले वाकई तुम में से कोई चोर निकल आया चोर साबित हो गया उसके पास से हमारा प्याला निकल आया बादशाह का तो फिर बताओ क्या सजा होनी चाहिए उसको आयतब सेवेंटी फाइव हैजा उहू मम फिर फाहुआ जजा उहू कािका तर्जबा हैरों ने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके सामान में से वो प्याला मिल जाए वो खुद सज़ा में धर लिया जाए रख लिया जाए जो लोग जुल्म करते हैं हम उनको ऐसी ही सजा दिया करते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारी शरीयत में दीन इब्राहिमी में हजर याकूब की शरीयत में यही हुक्म है कि बदले में चोर को रख लिया जाता है देखिए उन्हें नहीं मालूम था कि वाकई उन्हीं के पास से सामान बरामद हो जाएगा प्याला निकल आएगा जबकि बादशाह के कानून में चोर की सजा यह नहीं थी इस तरह हजर अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया

नरफाउर वकिन कलीम तर्जबा है चराचे यूसुफ लेलाब ने अपने भाई बिन जामिन के थैले से पहले अपने दूसरे भाइयों के थैलों की तलाशी शुरू कर दी फिर उसको अपने भाई यानी बिन जामिन के थैले में से बरामद कर लिया प्याले को इस तरह हमने यूसुफ की खातिर ये तदबीर की अल्लाह की यह बशियत दा होती तो यूसुफ के लिए मुमकिन नहीं था कि वो बादशाह के कालूर के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख लेता और हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं और जितने इल्म वाले हैं उन सब के ऊपर एक बड़ा इल्म रखने वाला मौजूद होता है यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है फादा बिया ही अखी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सोतेले भाइयों के थैलों से पहले तलाशी शुरू की यानी पहले उनकी तलाशी शुरू की फिर अपने सगे भाई बिन के थैले में से वो प्याला निकाल लिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई से पहले अपने सोतेले भाइयों की तलाशी इसलिए शुरू की थी ताकि तलाशी गैर जानबदार समझी जाए किसी को कोई शक ना पड़ जाए कदालिका की किदनाली यूसुफ़ इस तरह से हमने तदबीर की यूसुफ के लिए अल्लाह सुबहाना कह रहे हैं हमने की यानी इस तदबीर के ज़रिए अल्लाह सुबहाना ताल ने बनी इसराइल को हज़र यूसुफ़ा को अपने ख़ानदान से मिलाना था ज़हरा वो सब कनान में रहते थे याकूब अलैहिस्सलाम बाकी सब लोग भी इनका खानदान भी इनके भाई इनकी सोतीली अम्मी वालिदा तो सबको अल्लाह ताला ने मिलाना था ये हिकमत भी थी और अल्लाह का इल्म हर शह पर मुहित है और ज़ारा भाई को भी इन्होंने फिर रख लिया ये भी हिकमत थी फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह का इल्म था कि यह आर्जी सा मामला है और इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा मा काना लिया खुजा आपके लिए यानी हजरत यूसुफ के लिए, लिए, लिए मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को रोक दे बादशाह के कानून के मुताबिक यानी बादशाह का कानून अगर देखा जाता तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि चोर को रख लिया जाए सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे यानी हज़र यूसुफा मिसर के कानून के मुताबिक अपने भाई को नहीं रख सकते थे नरफाउत हम जिसको चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर साहेब इल्म के ऊपर कोई और साहब इल्म भी है यानी इल्म के लिहाज से उल्मा के दर्जात हैं हर आलिम के ऊपर उससे बड़ा आलिम होता है और ये दर्जात अल्लाह की ज़ात पर जाकर अख्ताम पज़ीर हो जाते हैं जो सबसे बड़ा आलिम है असल इल्म तो वही होता है जो इंसान के अमल में झल के किसी को कहनाना पड़े कि मेरे पास ये ये हैं। अल्लाह येम है सन्े बेहतरीन अमल की तोफ़ीक़रमाए आमीन अल्लाह आमीन आयत तब सेवेंटी सेवन है قال يسرق فقد له من قبل يوسف في نفسه ولم لهم والله بما तर्जुबा है उन भाइयों ने कहा अगर इसने यानी बिन यामिन ने चोरी की है तो कुछ ताजुब की बात नहीं क्योंकि इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है सबसे पहले कहा जा रहा है कलु यसरिक़त सरा का अखल्लाु मिन कबल भाइयों ने कहा कि अगर उसने बिन यामी ने चोरी की है तो क्या हैरत करनी इससे पहले इसका भाई यानी यूसुफ़ जो है वो भी चोरी कर चुका है ऐसा क्यों कहा उन्होंने क्योंकि हज़र यूसुफ़लम और बिन यामी दोनों सगे भाई थे जबकि वो सब जो थे वो इन दोनों के ती भाई थे यानी हकीकी भाई नहीं थे ना यही वजह थी कि वो हज़र यूसुफ़ इस्लाम और बिन यामीन दोनों के लिए उनके दिलों में हसद था बख्स था कीना था यही वजह है कि वो खुद को पाकिज़ा और बा किरदार और बड़ा नेक जाहिर कर रहे हैं जबकि कोशिश उनकी ये है कि हज़र यूसुफ़ इस्लाम और बिन यामीन जो है लोगों को बताएं कि इनका किरदार ही कमजोर है ख्यानकार है ये चोर हैं, यहाँ पे चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि वो कहते कि नहीं नहीं बिन ने चोरी नहीं की बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि हाँ कर सकता है क्यों नहीं करेगा इसका भाई भी तो चोरी उसने भी तो की थी जबकि ये झूठ था फिर है फ असरा यूसुफी नफसी वम युबी ह उसको छुपाए रखा यूसुफ़ ने अपने जी में अपने दिल में और उन पर जाहिर न होने दिया यानी हज़रत हज़र यूसुफ़ा ने अपने भाइयों के इस झूठे इल्ज़ाम की बात को दिल में रख लिया यानी वो जज़ब कर गए पी गए और भाइयों को जाहिर नहीं होने दिया भाइयों के इस इल्ज़ाम पर उनका दिल दुखी तो हुआ जाहरी बात है लेकिन दिल ने कहा कि बड़े ही बुरे लोग हैं लेकिन दिल की ये बात जो दिल ने कहा कि बहुत ही ये बुरे लोग हैं वो उन्होंने ज़बान पर नहीं आने दी यानी उसको दिल ही में छुपा लिया देखें बादशाह थे उनके पास इख्तियार था लेकिन इसके बावजूद वो ख़ामोश हो गए बात भी छुपा ली आयत के आखिर में है अला तुम शर्काना वह अला मुबीमा तफुन आपने यानी हज़र यूसुफा ने दिल ही दिल में कहा कि तुम बहुत बुरे लोग हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह इससे ख़ूब वाकिफ़ है यानी भाइयों ने हज़र यूसुफा पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया जो कि बेबुना बुनियाद था हज़रत यूसुफ़ हज़रतूसुफ़ल जो हैं वो उन्होंने सब्र से काम लिया हमत का मुजाहरा किया बर्दाश्त कर गए उनकी हर बात को और किसी किस्म का कोई भी उन्होंने रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया यहाँ हमारे लिए भी सबक है बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिलों में चुभ जाती हैं हमें भी चाहिए कि उनको पी जाएं उनका रद्दमल जो है वो हमारे तसुर से या हमारे रवैये से या हमारी किसी बात से ना झलके अल्लाह ताला हमें इसकी बेहतरीन तौफीक फरमाए तबर सेवेंटी एट है या इन लहु अब शेखा कबीरा अहदाना मकानहु शई कबीर फाखुजान मकानसिन तर्जबा है वो कहने लगे कि ए आजीज़ इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है और इसलिए इसकी जगह हम में से किसी को अपने पास रख लो हम आपको लोगों में से देखते हैं समझते हैं जो बहुत ही मोहसिन होता है एहसान करने वाला होता है यहाँ सबसे पहले क्या कह रहे हैंजीज़ इन नहुअ अब शई कबीर फना मकान कहने लगे एजीज़ बिसर ए साहब इख्तियार इसका बाप बहुत बूढ़ा है तो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जगह हमें से किसी एक को भी रख लीजिए वो हज़र यूसुफ़ल को अज़ीज़ मिस्र इसलिए कह रहे थे क्योंकि बादशाह जो है वो ब्रा नाम ही था उसने अपने सारे यूसुफ़ यूसफ्लाम के हवाले कर दिए थे जब उसने देखा कि इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं ईमानदार हैं और इल्म भी रखते हैं तो उन्हें लगा कि जितना अच्छा ये मुल्क को चला सकते हैं मैं नहीं चला सकूँगा यही वजह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो इज़्ज़त भी कर रहे हैं और अल्तजा भी कर रहे हैं ख़ुशामद भी कर रहे हैं तारीफ भी कर रहे हैं इससे पहले कह रहे थे कि बिन यामिन का भाई भी झूठा था चोर था अब तारीफ़ कर रहे हैं उसी ज़ुबान से कह रहे हैं कि बिन यामीन जो है ना इसको हमारे साथ जाने दो हम दस भाइयों में से किसी को भी रख लो और फिर वजह भी बता रहे थे कि देखो हमारा बाप बहुत बूढ़ा है नाबीना है हम अपने बाप से वादा भी करके आए हैं कि हम हर सूरत बिन यामीन को लेकर आएंगे अब किस मुंह से जाएं कैसे कहें और फिर उनके दिल में चोर भी था कि इससे पहले हम यूसुफ़ की दफ़ा भी ऐसा ही कर चुके हैं अब दोबारा हमारा बाप इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से लाएगा इतना बड़ा गम कैसे बर्दाश्त करेगा कहीं उसे कुछ हो ही ना जाए लिहाजा कह रहे हैं इन्ना नारवा का मिनलमुहसिन यकीन हम आपको देख रहे हैं एहसान करने वाला क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परेशान थे बाप का एतम तो वो बहुत पहले ही खो चुके थे और अब तो बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं था कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मुंह से जाएं और अपने बाप को बताएं कि इस दफा बिन जामिन जो है वो हम नहीं वापस लाए यही वजह है कि वो हज़रत यूसुफ सलाम की मिन्नत समाजत कर रहे हैं गड़गड़ा रहे हैं तारीफ कर रहे हैं कि जी आप बड़े नेक हैं मोहसिन हैं एहसान करने वाले हैं एक एहसान हम पे भी आप कर दीजिए हम में से किसी को भी रख लीजिए लेकिन बस बिन यामिन को जाने दीजिए आयत नंबर नाइन है, है यूसुफ्लाम ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से हम अल्लाह की पना चाहते हैं यानी ऐसा किया तो हम यकीनन ना नाइंसाफ़ी करने वाले हो जाएंगे यानी हम जालिमों में हमारा शुमार हो जाएगा दरअसल बादशाह के कानून के मुताबिक यूसुफ़ ला अपने भाई को नहीं रख सकते थे लेकिन कनान के कानून के मुताबिक चोर को रख लिया जाता था लिहाजा रख सकते थे हज़र यूसफ्लम को अल्लाह अल्ला ताला की इस तदबीर से दो फायदे हुए एक तो अपने भाई को अपने पास रखने का मौक़ा मिल गया दूसरा ये कि इब्राहीम की शरीय पर अमल करने का मौका मिल गया इस आयत में हज़र यूसफ़्लाम फ़रमा रहे हैं हम अल्लाह की पना चाहते हैं कि जिसके पास से माल बरामद हुआ है उसकी बजाय किसी और को रख लें ऐसा जुल्म तो हम हरगिज़ नहीं कर सकते कि जी असल मुजरिम की बजाय बे बेगुनाह को पकड़ लें ये तो जुल्म है आयत नंबर एटी है फलम मस्तयासु मिनहु खलसु नजिया قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله वमिन कबल फर तुम फ़ी यूसुफ़ फल अब्रदाजनली अबी वाहकिम तर्जबा है फिर जब वो बायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आप इस पर मशवरा करने लगे खुद बेसे जो सबसे बड़ा था वो बोला तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालि तुम से अल्लाह के नाम पर क्या अहदोपैमा ले चुके हैं और इससे पहले यूसुफ़ के मामले में तुम जो ज्यादती कर चुके हो वो भी तुम्हें मालूम है अब मैं तो यहाँ से हर घिस ना टलूँगा जब तक के मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फैसला फरमा दे क्योंकि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है आयत में सबसे पहले कहा जा रहा है फलम सू मू खलासु नजिया फिर जब वो यूसुफ़ से मायूस हो गए तो अलीदगी पर जाकर मशवरा करने लगे यानी उन्होंने यूसुफ़ यूसुफा को अपने बाप के बुढ़ापे का भी बताया गुजशत आयात पर गुज़र चुका है सब कुछ और ये भी कि हब्बे से किसी को रख लो किसी तरह काम ना बना तो फिर खुशामद भी कर डाली कि जी हमने तो आपको हमेशा मोहसिन पाया है लिहाजा एहसान का मामला किया जाए और में से किसी को रख लिया जाए और बिन यामिन को वापस जाने दिया जाए जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो एक कोने में बैठ कर बाहम मशवरे करने लगे खला कबीर अबाकुम मऊसी उनके बड़े ने कहा यहूदा था कि क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर पुख्ता अहद लिया हुआ है यहूदा ही ने अपने भाइयों को समझाया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं में या दूर दराज इलाके में फेंकाओ। आओ मिन कबल माफरत तुम फी यूसुफ और क्या तुम नहीं जानते जो ज्यादती तुम इससे पहले यूसुफ के मामले में कर चुके हो यानी तुम यूसुफ को कुएं में फेंक चुके हो हमारा बाप उस गम में आज तक मुब्तला है अब कैसे हिम्मत लाएं कि जाकर बाप को इतना बड़ा एक और गम दे दें गम पर गम दे दें और किस मुँह से कहें कि जी अब हम बिन यामिन को वहाँ छोड़ आए हैं वो तो हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि हम तो पहले भी एक दफ़ा झूठ बोल चुके हैं फलन अब्ररद या जन अली अबी अब तो मैं इस जमीन से नहीं हिलूँगा यहाँ तक के मेरे वालिद खुद मुझे इजाजत दे दें, यानी तुम सब जाकर वालिद साहब को सारा वाक सुनाओ फिर अगर मेरे वालिद ने मुझे इजाज़त दे दी तो तो ही मैं मिसर से हिलूंगा यानी वरना तो मैं इधर ही बसेरा डाल लूंगा फिर वो कह रहा कह रहे हैं कि यह कुमल्ला वाहरहा हाकिमी या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला कर दे और यकीनन वो बेहतरीन फैसला करने वाला है यहाँ फैसला करने से मुराद है कि अगर बाप ने इजाजत ना दी तो यहाँ मिसरी में रहूँगा जब तक कि अल्लाह फैसला ना कर दे यानी फैसला एक तो ये हो सकता है कि अल्लाह मुझे जोरे बाजू दे दे कुत दे दे और मैं मुकाबला करूँ इन लोगों से और बिन यामिन को छुड़ा कर ले जाऊं और या ये फ़ैसला कर दे अल्लाह कि मुझे मौत ही आ जाए और ये मौत इस सूरत में भी आ सकती है कि मुकाबला करते हुए आ जाए या अल्लाह कोई और फ़ैसला कर दे कोई और फ़ैसला क्या है कि यूसुफ़ बिन यामीन को यूसुफ़ा जो हैं वो बिन यामीन को छोड़ दें और वो हमारे साथ चला जाए उसे जाने की इजाज़त मिल जाए आयत नंबर एटी वन है अब का सबक वहीदनाईन तर्जा है तुम अपने वालद की खिदमत के लिए वापिस जाओ और कहो कि अबा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे हम कुछ कैब की हिफाजत करने वाले ना थे आयत में सबसे पहले है इजू इला अबीकुम कुम या अबाना इबना का सरक तुम लौट जाओ अपने वालिद के पास और जाकर कहो कि अबा जान आपके बेटे ने चोरी की है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में बिन यामीन के लिए शक और बदगुमानी है व माँ शहीदना बिमा व माँ कुन्ना लिल भी हाफिदीन और हम गवाही नहीं दे सकते बगर उसी चीज़ की जिसके बारे में हमें इल्म है और हम गैब के निगेबान तो नहीं हैं मतलब ये है कि हमें तो गैब का इल्म नहीं था कि यह सब हो जाएगा लिहाजा हमने तो अपने हकीर से इल्म के हकीर जो हमारा इल्म था थोड़ा सा उसकी वजह से आपसे अहद किया था कि हम बिन यामीन को हिफाजत के साथ वापस कनान में ले आएंगे हमें तो बिल्कुल हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये वाक्य पेश आ जाएगा ये तो है एक मानी दूसरी मानी ये है कि हमने जो बताया था कि हमारी शरीयत में चोर की सज़ा ये है कि बदले में उसे रख लिया जाता है ये सज़ा हमने अपने महदूद इल्म की वजह से बताई थी ियत पर शक ना किया जाए हमें नहीं मालूम था कि बिन यामीन ही चोर निकलेगा और उसी के सामान में से प्याला निकलेगा यह तो हमें मालूम नहीं था क्योंकि हमें तो गैब का इल्म नहीं है आयत नंबर वी अकबल ना इन्ना वी क तर्जबा है आप इस शहर के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे और इस काफिले से भी पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं और यकीन हम बिल्कुल सच्चे हैं यूसुफ़ यूसुफ़लम के भाइयों को अभी भी खुद को सच्चा साबित करने की फिक्र है और अपने वाली से कह रहे हैं कि आप मिसर जाकर वहाँ के रहने वालों से पूछ लीजिए अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है या फिर ऐसा कीजिए जो काफले वाले हमारे साथ मिसर से आए हैं ना

ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात घड़ ली है बस अब सब्र ही बेहतर है करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे वो ही इल्म और हिकमत वाला है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कहा काला बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसबरून जमील आपने फरमाया कि नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे तो नफ्सों ने काम करना आसान कर दिया है बस मैं तो खूबसूरत ही सब्र करूंगा हज़रत याकूब आलाम वही बात कह रहे हैं जो आपने यूसुफ़्लाम की दफ़ा कही थी जब उनके बेटों ने आकर बताया था कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है हज़रत याकूब आलाम को यकीन था कि हकीकत वो नहीं है जो उन्हें उनके बेटे बता रहे हैं बल्कि इन्होंने खुद से एक बात घड़ ली है बिल्कुल वैसे जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दफ़ा घड़ी थी लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस पर ख़ूबसूरत सबर करूँगा अब सिवाय सबर के कोई चारा नहीं था सब्र होता है मनफी अमल से मन रवैये से बचना रोना धोना ना करना गिला शिकवा ना करना, करनाबत ना करना ताना जनी ना करना कोई जजा फज़ा ना करना फिर आयत के आखिर में है असल नी बम जमिया इन्ना वालीम हो सकता है अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए यकीनन उस सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है यहाँ जमीयन से मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन यामीन और बड़ा बेटा यहूदा थे बड़ा बेटा अशरम की वजह से मिसरी में रुक गया था अल्ला तआला इल्म और हिकमत वाले हैं अल्लाह सुबाना तआला अपने पैगम्बर को इतना ही इल्म देते हैं जितना अल्लाह तआला चाहते हैं यहाँ अल्लाह सुबहाना तआला की यही मशीयत थी कि हज़र याकूब आलाम को उनके बेटों के बारे में आगा ना किया जाए हजरत यूसुफा के ख्वाब की वजह से हज़र याकूब आलाम को अपने रब से अच्छी उम्मीद तो थी लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा जो है वो कहाँ पर है क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह ही के पास है आयत नंबर एटी है

और आपने उनसे रुख फेर लिया और कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ़ पर हज़र याकूब पैगंबर थे यकीन था कि यूसुफ़ जो है वो अल्लाह के फजल से ज़िंदा है लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि कहाँ है देखें कोई मर जाता है उसे दफन कर दिया जाता है तो सुकून आ जाता है लेकिन पता ही ना हो बेटा कहाँ है तो गम से दिल घुटता है वह यदत अना हुसनी फ हुआ कजीम और सदमे से आपकी आंखें सफेद हो गई थी क्योंकि आप गम को अंदर ही अंदर पीते जा रहे थे हजर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप को शदीद मोहब्बत थी बेटी की जुदाई में रोने की वजह से हजर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें जो हैं वो सफ़ेद हो गई थी आंखों की सियाही जो है वो गम के बारे सफेदी में बदल गई थी और अभी पहला गम दिल के अंदर था कि एक और गम उनको मिल गया लेकिन उन्हें अल्लाह से अच्छी उम्मीद थी आयत एटी फाइव है मिनल हालिकबा है बेटों ने कहा अल्लाह की कसम आप तो बस यूसुफ़ ही को याद करते रहते हैं नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान को हलाक कर डालेंगे यानी आप तो लगता है यूसुफ़ के सदमे में घुल जाएंगे या फौत हो जाएंगे आयत आयतम सिक्स है الله अश्कू من الله ما لا تعلمون तर्जबा है उसने कहा मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते इन्ना बसी जानतेशकू हजर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो अपनी परेशानियों और रंजो गम की फ़रियाद सिर्फ़ अल्लाह ही से करता हूँ मैं अपना गम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बताता बताना ही नहीं चाहता मेरी सारी उबीदे मेरा सारा भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर है वो ही मेरे गमों का दावा करेगा मा तमून और मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम्हें नहीं मालूम हज़र याकूब आल्लम को हज़र यूसुफ़्म का ख्वाब याद था और उन्हें यकीन था कि उसकी ताबीर ज़रूर सच साबित होगी उन्हें यकीन था कि उनके सारे बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़रूर सजदा करेंगे आयत एटी सेवन है या बनी यजह फ़त मी यूसुफ़ वला तय मी रौहिल कमल काफिरन तर्जबा है ए मेरे बेटो जाओ जाकर यूसुफ़ और उसके भाई की खोज लगाओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करता है आयत के शुरू में है या बनी यजहब फो मीसुफा व अखी ही वईसू मिर रोह ए मेरे बच्चो जाओ और पसटो लगाओ यूसुफ की और उसके भाई की और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो ला मिर इला यू मिरहिला ही ए लल कौमल का फिर यकीन अल्लाह की रहमत से मायूस तो बस काफिर ही हुआ करते हैं यानी काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं लिहाजा मायूसी कुफर है मायूस मत हो हजरत याकूब आलाम पैगम्बर थे उनका अल्लाह सुबाण से मज़बूत ताल्लुक़ था बहुत ही साबिर थे अल्लाह पर तक्ल करने वाले थे अल्लाह से बहुत अच्छी उन्हें उम्मीद थी अला किरदार और सीरत वाले थे बेटों से गिला शिकवा नहीं किया ताने नहीं दिए सख्ती नहीं की डांट डपट नहीं की औलाद की नाफरमानी पर उनकी सख्त बातों पर भी ख़ामोशी इख्तियार की उन्हें दुआएं देते रहे उन्हें हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद थी अल्लाह पर ही उनका तवक्कल था यहाँ हमने भी सीखा कि कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए हर रात के बाद देना आता है और याकूब यक़ूब की सीरत से ये भी पता चला कि औलाद जब जवान हो जाए तो फिर सख्ती नहीं करनी चाहिए हाँ अल्लाह से हदायत के लिए दुआ तो करनी चाहिए और नसीहतें भी करनी चाहिए अल्लाह से जोड़ना चाहिए उन्हें उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालनी चाहिए और उनकी नाफरमानी पर भी दुआएं देनी चाहिए उनके लिए हदायत की दुआ की जा सकती है ना और वो बालिक हो जाती है अकिल हो जाती है अब डांट डपट ये सब चीजें जो हैं उन पर असर नहीं करती और उनकी जिम्मेदारी खुद उन पर है हम तो सिर्फ अपने बच्चों को नसीहत कर सकते हैं उनके लिए हदायत की दुआएं कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं मौका महल के मुताबिक उन्हें बार बार हम तलकीन भी कर सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना और ना ही अल्लाह की रहमत से मायूस होना चाहिए अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए हदायत देना तो अल्लाह का काम है बहुत ही खूबसूरत आयात हैं अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल की तोफ़ी के तरमाए होमवर्क नोट कर लीजिए सवाल नंबर एक आज की आयत का तर्जुमा रूट वर्ड्स और वाहिद जमा बताइए सवाल नंबर दो हरूफुल्हिजा को उर्दू से अरबी में तब्दील करने का उसूल बताइए हमारा अरबी ग्रामर का लेसन नंबर एक है वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है वीडियो देख लीजिएगा सवाल नंबर तीन दुनिया में रहते हुए एक सच्चे बंद मोमिन की क्या ख्वाहिश होती है या क्या ख्वाहिश होनी चाहिए इस दफ़ा का मेरा जीना मेरा मरना का लेसन नंबर ग्यारह है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है वीडियो देख लीजिएगा सवाल नंबर चार अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कैसे पहचान लिया था जबकि उसके भाइयों ने यूसुफ़ को नहीं पहचाना था आयत नंबर है फिफ्टी एट सवाल नंबर पाँच यूसुफ्लाम की किन दो सिफात का जिक्र है आयत नंबर है फिफ्टी नाइन सवाल नंबर छः हजर यूसुफा ने अपने भाइयों के सामान में उसकी लाई हुई पूंजी क्यों रखती थी आयत नंबर सिक्सटी टू सवाल नंबर सात असल हिफाजत करने वाला कौन है आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा आयत नंबर सिक्सटी फोर सवाल नंबर आठ हज़र यूसुफा के भाइयों ने बिन यामीन को साथ भेजने के लिए क्या दलाइल दिए आयत नंबर सिक्सटी फ़ाइव सवाल नंबर नौ हज़रतकूब किन शरात पर बिन यामीन को भेजने पर आमादा हुए आयत नंबर सिक्सटी सिक्स सवाल नंबर दस हज़र याकूब ने बेटों को एक ही दरवाज़े से दाखिल होने से क्यों मना किया था आयत नंबर सिक्सटी सेवन सवाल नंबर ग्यारह आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा आयत नंबर है सिक्सटी एट सवाल नंबर बारह हजरत यूसुफ सलाम ने बिन यामीन को क्या नसीहत की आयत नंबर है सवाल नंबर तेरह बिन यामीन के सामान में प्याला रखने में अल्लाह सुबहाना तला की क्या हिकमत थी आयात हैं सेवनटी से लेकर 72 ले टू तक सवाल नंबर चौदह हज़र सलाम के भाइयों ने चोरी के इल्ज़ाम पर क्या जवाब दिया आयत नंबर सेवेंटी थ्री सवाल नंबर पंद्रह शरीत इब्राहिमी में चोर की सज़ा क्या थी आयत नंबर सेवेंटी फ़ोर और सेवेंटी फ़ाइव सवाल नंबर सोलह अल्लाह सुबहाना तै ने यूसुफ़ हज़र सलाम के लिए क्या तदबीर फरमाई थी आयत नंबर सेवेंटी सवाल नंबर सत्रह हजरत यूसुफ अल्लाम ने कौन सी बात दिल ही में रखी और जाहिर ना होने दी आयत नंबर है सेवनटी सेवन सवाल नंबर अट्ठारह मोहसिन किसे कहते हैं हमें मोहसिन बनने के लिए क्या क्या करना होगा आयत नंबर है सेवनटी एट सवाल नंबर उन्नीस यहाँ किसे कहा गया है आयत नंबर है सेवनटी नाइन सवाल नंबर बीस अवैकली या फैसला कर दे अल्लाह मेरे लिए इसे क्या मुराद है आयत नंबर है एटी सवाल नंबर इक्कीस यूसुफ्लाम के भाइयों का क्या रवैया नजर आ रहा है आयत नंबर एटी वन सवाल नंबर बाईस हजर याकूब के किरदार से आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा आयात हैं एटी टू से लेकर एटी सेवन तक अल्लाह सन्तरीन अमल की तोफीक ता फरमाए सुबह नमदी का نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته